हेलो जी, नमस्कार जी, चंदन जी सर। माइक को आप अनम्यूट कर सकते हैं, अभी सभी लोग जुड़ रहे हैं। सॉरी, अभी तक हाँ, जुड़ रहे हैं, आज पहला दिन है ना, इसलिए थोड़ा सा रहेगा, है ना। तो अभी सारे लोग जुड़ जाएंगे। और इसमें एक तो टाइम वाली जो थी हमारी परेशानी, वो नहीं रहेगी। जी और इसमें और भी कई सारी अच्छी चीजें, अच्छे फीचर्स हैं, तो उनका अपने को। नहीं, अच्छे नए फीचर्स हैं, वही मैं एक्सरसाइज कर रहा था जब तक। हाँ, शुरू में एक दिन थोड़ा सा रहने में रहेगा, जब मीटिंग चले उस समय अपने माइक। सर नमस्कार, सर मुकुल श्रीवास्तव सर, कैसे नमस्कार नमस्कार, हैं सर? मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। अभी अभी जुड़ रहे हैं सर सभी, बस थोड़ी देर में जुड़ जाते हैं। 5:25 से 5:30 तक का समय सभी साथी जुड़ते हैं, उनके लिए समय रखा गया। 5 मिनट का समय इसलिए रखा गया है ताकि सभी आसानी से जुड़ सकें इसमें। तो आप जी, आज पहला दिन है तो थोड़ी सी हमें भी वो सीखने की उसी पे ही है। हालांकि दिन में वेबेक्स वालों ने इसके लिए ट्रेनिंग कर दी थी, हमारी ट्रेनिंग करवाई थी उन्होंने 1 घंटे तक। ये सारा समझाया भी कि कैसे काम में लेना है। और काफी काफी सारी बातों से जूम से थोड़ा डिफरेंट भी है, और ज्यादा सेफ भी है, और ज्यादा अच्छा भी है। मैं देख रहा हूँ। जी, जी ये है कि मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, तो जो पावर पॉइंट चलाने में भी मजा आएगा और लोगों को सीखने में भी मजा आएगा। और मेरी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि लोग बोर ना हो। इस तरीके की मीटिंग में फिर ये होता है कि पहले करते हैं, फिर वीडियो म्यूट करते हैं, फिर गायब होते हैं, तो नहीं, इसमें इतने अच्छे, आप इतने अच्छे से, इतने बढ़िया हमारे एक्सपर्ट्स और स्पीकर्स आते हैं, तो उनकी बात एकदम हर दिन नई होती है। और ये नई बात में हर समय ये लगा रहता है कि आगे और क्या नई बात आएगी, आगे और नई क्या बात आएगी, ये लगा रहता है। तो उससे सभी लोग बड़े एक्टिव होकर बड़े अच्छे से जुड़ते हैं, और ये बहुत ही अच्छा एक इंटरेक्टिव सेशन होता है। जी सर, अभी आगे झाझड़िया जी आगे, और विनोद सरवाल साहब भी आगे, चंदन सारण जी आगे, रामजी साई आगे, सिप्रिया मैडम भी आगे। और ये भाग्यश्री साहब आ जाते हैं, फिर इसके बाद में शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारे जो सैयद नजाकत साहब, फोन आ रहा है, आप इसको पहले ले लीजिए। मेरे पास नहीं आ रहा सर। ये दरअसल जो कई सारे माइक एक साथ खुल जाते हैं ना, ओपन हो जाते हैं ना, उस समय ये इस तरह की आवाज और इस तरह की ये रहती है, इसलिए जो प्रेजेंट करें उनके अलावा हम सारे अपने माइक को उस समय म्यूटेड कर लेते हैं, और वो सबके ही कर लेता है। अभी चूंकि सेशन शुरू नहीं हुआ, इसलिए आपस की बात के लिए कईयों ने अपने माइक अपने ऑन कर रखे हैं। आपका ना सिर्फ आपको ही दिखेगा। ऐसे नहीं सैयद है। नजर जुड़ गए हैं। जी, सभी को नमस्कार करता हूँ, और आज का ये सत्र शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे ऑनरेबल स्पीकर से आ चुके हैं और जो हमारे साथी हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। मैं सभी से सबसे पहले ये निवेदन करूंगा कि प्लीज स्पीकर के अलावा अपने माइक को म्यूटेट कर दें ताकि डिस्टरबेंस नहीं आए। और जो स्पीकर साहब हैं वो सिर्फ अपने माइक को, सबसे पहले हमारे साथ में सैयद नजाकत साहब होंगे, और उसके फोटोग्राफ बाद में जो और स्पीकर होंगे मैं साथ में परिचय सब करवाता जाऊंगा। और प्लीज अभी अपने माइक को प्लीज म्यूटेट कर लें। हमारे साथ हेलो। में जो
कोरोना काल में भ्रामक और झूठों के कारण एक इस तरह का जो एक कठिनाई का दौर था वो ज्यादा कठिनाई में परिवर्तित हुआ, और इसको हम सब ने भोगा भी है, हम सब उसको लगातार उसको सहन भी कर रहे हैं। इस पर चर्चा होना निसंदेह बहुत जरूरी लगा, और हमारे साथ आज बड़े सौभाग्य से जो हमारे स्पीकर्स हैं, ऑनरेबल स्पीकर्स हैं, उनमें सैयद नज़ाकत साहब का मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा और उनको रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा। सैयद नज़ाकत साहब इस फील्ड के एक अनमोल धरोहर हैं, और इस फील्ड पर आपका जो अनुभव और जो कम से कम आपने 30-40 वर्षों में अपना जो कार्य दिखाया है वो अपने आप में बहुत बड़ी थाती है इस देश के लिए। आप डाटा लीड्स के सीईओ हैं और आप एशिया न्यूज़ नेटवर्क जो तकरीबन 22 देशों में, 20 एशियन कंट्रीज में जिसका सर्कुलेशन है, लगभग 50 लाख लोग जिससे जुड़े हैं, आप उसको भी लीड कर रहे हैं। आपको बहुत सारे अवार्ड्स न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। भारत का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयन का एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड, करमवीर पुरस्कार, नेशनल अवार्ड एंड वैष्णो देवी हेमन पावर अवार्ड, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल अवार्ड, फाइनलिस्ट ऑफ अवार्ड, बहुत सारे इस तरह के अवार्ड आपको मिले हैं। प्लीज अपने माइक को आप बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। मैं अधिक समय तक आपके और नज़ाकत साहब के बीच में ना रहते हुए मैं नज़ाकत साहब को आग्रह करूंगा। नज़ाकत साहब गूगल की बहुत सारे फीचर्स के आप एक्सपर्ट हैं, फेक न्यूज पर आपका काम निसंदेह विशेष है, कृपया आप हमें मार्गदर्शन करें जिससे कि सभी लोग इसके लिए अवेयर हो सकें और इसको कैसे समझें, कैसे उससे हम बच सकें। नज़ाकत साहब डॉक्टर सिंह साहब, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। हमारे मुकुल श्रीवास्तव हमसे जुड़े हुए हैं लखनऊ, वो हमारे बड़े मित्र हैं, हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े। क्या कर रहे हैं और सर, गलती से वो माइक अनम्यूट दूसरे कर रहा था आपका। जी 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 सर, जी हाँ जी, मैं डॉक्टर सिंह आपका पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इनवाइट किया यहाँ पे। हमारे मुकुल श्रीवास्तव जी हैं, लखनऊ से जुड़े हैं हमारे साथ, वो हमारे मित्र रहे हैं, हमारे प्रोग्राम जो गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव इंडिया में है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने जब हमें इस प्रोग्राम के बारे में बताया तो हमने बोला हमें ज़रूर इसमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का एक बड़ा बड़ा सिग्निफिकेंट एक इम्पैक्ट है सोसाइटी में और हमारे देश में, खुसूसन कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस का एक बड़ा जाल बिछा हुआ है पूरे देश में और हर जगह पे लोकल लेवल पे ये काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे नेशनल जो स्टेशंस है, टीवी स्टेशंस है, वो नहीं पहुँच पाते, पूरे गांव गलियान की वहाँ पे कहानियाँ बताते हैं, लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता चलूँ कि हम कहाँ से आए हैं। अगर इसमें स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लूं आपके साथ। जी हाँ सर, जी हाँ सर, तो मैं एक मिनट में आपका लेना चाह रहा हूँ। मिनट, आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। तो मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ, हम कहाँ से क्या काम कर रहे हैं और कैसे जो फैक्ट चेकिंग है और जो कोरोना वायरस से लेके जो काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत खबर है, फेक न्यूज़ है, वो कैसे फैल रही है। तो गूगल न्यूज़ ने 2018 में इंडिया में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव का नाम स्टार्ट किया जिसका नाम हुआ गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव इंडिया ट्रेनिंग नेटवर्क। तो इस ट्रेनिंग नेटवर्क में हमने क्या किया, हमने देश से 240 लोगों को सिलेक्ट किया। एक बड़ा प्रोसेस रहा, लगभग 5-6 हज़ार लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से हमने 240 लोग निकाले, जिसमें हमारे साथ लखनऊ से मुकुल जी जुड़े हुए हैं। तो इन हमने इनको 5-5 दिन में लोगों को ट्रेन किया। फैक्ट चेकिंग के जो टूल्स हैं,
एक फोटो जो आपके पास व्हाट्सएप पे आती है, फेसबुक पे आती है, वो कैसे वेरीफाई करें, या अगर कोई वीडियो आपके व्हाट्सएप पे आता है या आपके फेसबुक पे आता है, ट्विटर पे आता है, तो आप वीडियो को कैसे वेरीफाई करें। तो 5 दिन की इनकी ज़बरदस्त ट्रेनिंग हुई अलग अलग जगह पे, देश में, दिल्ली में हुई, गुड़गांव में हुई, गूगल के ऑफिस पे, मुंबई में हुई, हैदराबाद में हुई। तो ये सारे लोग जब ट्रेन हुए तो इनसे एक ही हमारा ये प्रॉमिस था कि ये वापस जाके और लोगों को ट्रेन करेंगे। तो पिछले 2 साल में मैं आपको इस तरह बताता चलूं कि लगभग 16,000 एडिटर, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, मीडिया फैकल्टी के जो मेंबर्स हैं, ये इन जो 250 लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने उन्हें ट्रेन किया। लगभग हमारे साथ 200 यूनिवर्सिटीज भी जुड़ी हैं इस ट्रेनिंग में। मुझे लगता है 900 से ज़्यादा न्यूज़ रूम्स जो हैं, कश्मीर से लेके पूरा कन्याकुमारी तक एक जाल बिछा हुआ है फैक्ट चेकिंग का। तो 2-3 साल पहले हमारे देश में बिल्कुल लोग थे जिनके पास कुछ स्किल्स थे फैक्ट चेकिंग के, अभी बहुत लोग इसमें जुड़ चुके हैं। तो हम कोविड पे आते हैं क्योंकि कोविड का डिस्कशन है आपका, इस पे आपका फोकस है कि कोविड जो है एक बड़ी एक पूरी दुनिया में एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई है, यानी इसका इलाज अभी तक नहीं है और हर दिन लोग इसे मर रहे हैं, जूझ रहे हैं। हमारे यहाँ भी हालत बड़ी खराब होके बैठी है। तो अभी तक जो हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो मॉडर्न हिस्ट्री हमारी है, उसमें इतना बड़ा चैलेंज कभी भी हमें फेस नहीं आया, यानी कि जहां आपका एयरपोर्ट, रेलवे, हर कोई चीज जो है वो बंद पड़ी है। हमारी जंगें भी हुई, चाइना के साथ जंग हुई, पाकिस्तान के साथ जंग हुई, उनमें भी इतना हमने कभी कभी नहीं किया। ये जो सिचुएशन है अभी भी हमारे लिए बड़ी आप बोल सकते हैं बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है। आपको आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। आ रही है। तो इसमें हमारी सबसे बड़ी परेशानी की जो बात ये है कि जो हमारी डेंसिटी है देश में, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर हम मार्केट में भी चले जाते हैं तो 5-10 लोगों को हाथ छूने से या किसी और चीज से ये प्रॉब्लम आ सकती है कि उसको इन्फेक्शन हो सकता है, बीमारी फैल सकती है। जी तो जो WHO भी इस बीमारी को लेके वो ये बात को मान के चले हैं कि ये बीमारी तो अपना एक चैलेंज है, बट बीमारी के साथ जो मिस इन्फॉर्मेशन का चैलेंज है वो भी उतना ही बड़ा है। यानी जो फेक न्यूज इसके साथ जो फैल, वो भी बहुत भयानक है। यानी आपने ईरान का सुना होगा कि वहां पे ये अफवाह चली कि शराब पीने से ये बीमारी ठीक हो सकती है, या जो शराब पिएगा उसे ये बीमारी छू नहीं सकती है। तो आपने 700-800 लोग वहां पे उस पॉइजनिक ड्रिंक से, उस शराब पीने से मर गए वहां पहले पहले में। हमारे यहाँ पर भी बहुत ज्यादा, मैंने हजारों दिन में, एक दिन में वीडियोस आते हैं, फोटोज आते हैं जो कहीं के होते हैं, बट फोटोज इस तरह से छपाए जाते हैं कि ये इंडिया में हो रहा है, कि इतने लोग मर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन है। अगर हम ग्लोबली देखें, हमारा एक चैलेंज है जो हम मान के चले हैं कि हमारी जो एबिलिटी है एक सच्चाई को और झूठ को अलग अलग देखने की, वो बहुत कम हो रही है। यानी हम एक चीज को देख नहीं पा रहे हैं, परख नहीं पा रहे हैं कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि पहली दफा हमारी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन है कि जहां हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है कंज्यूम करने की, और उस इंफॉर्मेशन को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। यानी कि पर दिन आपका इतना टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया से इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है, वो तो आप सारा कंज्यूम कर लेते हो, बट उसको एनालाइज करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में वो क्षमता हम में नहीं आ रही। तो ये सब हमारे लिए एक बड़ा बहुत चैलेंज क्रिएट कर रहा है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा नेट स्लो है आपकी तरफ से, मेरी तरफ से। तो ये जो प्रोग्राम हमारा है ये इसी को लेके है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कहीं पे हल्का सा ये नहीं सर, सही आ रही है आवाज आपकी, करिए। हेलो थोड़ा सा ये बीच में रुक रहा है कहीं पे। तो हम अभी तक जो बीमारी है इसको समझ लेते हैं कि बीमारी क्या है। ये बीमारी चाइना से स्टार्ट हुई है, वुहान से स्टार्ट हुई है। सबसे पहला केस जो रिपोर्टेड वहां से आया वो 31 दिसंबर का था। तो जनवरी तक हमें मान के चलिए थे कि ये प्रॉब्लम चाइना वालों की है, हम लोगों को ये छू नहीं सकती। तो हम सुन रहे थे खबरों में, हाँ कुछ हो रहा है वहां पे, पर फिर हमें चला, 1 महीने के बाद हमें ये पता चला कि नहीं,
हमारे यहाँ भी ये मसला हो सकता है, ये बीमारी हमारे यहाँ फैल सकती है। तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो पहला केस जो आया वो केरला से आया। केरला में तीन स्टूडेंट्स थे, वो तीन स्टूडेंट जो थे वो 30 जनवरी को वहां से आए थे, वो तीनों पॉजिटिव थे। तो वो सबसे पहला केस हमारे देश में आया, फिर केरला वालों ने तो उसको संभाल लिया किसी तरह से वहां पे, बट तब तक पूरी देश में फैल चुका था। दिल्ली में सबसे पहले जो केस आए वो इटली से आए थे। तो ये बीमारी हमारे लिए मानो बढ़ती गई होती है। और अभी भी जो चीज़ें हम नहीं जान रहे इस बीमारी के में, वो ये है कि ये वायरस कितने टाइम तक सर्वाइव करता है, या जो पेशेंट जीरो था, जो सबसे पहला पेशेंट जो इस बीमारी का था वो कौन था, या इसके एग्जैक्ट सोर्सेस क्या है। तो काफ़ी चीज़ें अभी भी साइंटिफिकली हमारे पास पूरी क्लियर नहीं है कि क्या क्या ये वायरस क्या है। अब इसमें ये भी चीज़ें हैं कि काफ़ी लोग ये इस पे एक्सपर्ट हैं, काफ़ी लोग एक्सपर्ट बने हुए हैं, यानी उनका हर किसी कोरोना वायरस के सिलसिले जो बीमारी है उसके बारे में उनकी राय है, उनका इलाज है। तो यही लोग ज़्यादातर फेक न्यूज़ को फैलाने में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि लोग आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, अगर आप गार्लिक लेते हैं, अगर आप लहसुन लेते हैं, अगर आप दूध ज़्यादा पीते हैं, शराब पीते हैं, तो आपसे इसमें आपको बीमारी नहीं हो सकती। तो यही चीज़ें आगे जाके लोगों को फेक न्यूज़ के चंगुल में फंसा देती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इसकी फेक न्यूज़ की है, जो आपको जानना पड़ेगा, ये नहीं कि फेक न्यूज़ बुरी है, वो तो बुरी है, बट इससे ये हो रहा है कि अगर सच्ची खबर भी आप लोगों को दे देते हैं, बट जब उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ कंज्यूम कर चुके होते हैं वो, तो वो सच्ची बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो फेक न्यूज़ का सबसे बड़ा जो हार्मफुल इफेक्ट वही वो यही है कि जब आप सच भी लोगों को बताते हैं, वो सच को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बिकॉज फेक न्यूज़ उन्होंने काफ़ी कंज्यूम किया होता है। अब अगर हम कोरोना वायरस के बारे में देखेंगे, इसके बारे में क्या क्या खबरें फैली हैं, जो ज़्यादा खबरें फैली हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ जो हमने आपके लिए हाईलाइट की हैं। जैसे चाइना में जो है वो सुअर को जिंदा जला रहे हैं, ये सबसे पहले खबर फैली क्योंकि उनके थ्रू उनको लग रहा था वो ये बीमारी फैल रही है। काफ़ी लोगों ने बोला ये CIA का ऑपरेशन है, एक सीक्रेट ऑपरेशन था जो फ्लॉप हो गया और वो वायरस फैल गया। हमारे यहाँ पे ये हुआ कि बैट सूप से जो एक वीडियो बन के आया कि जो बैट है, चमगादड़ जो है, उसके सूप पीने से ये बीमारी फैली। फिर यहाँ पे काफ़ी चीज़ें की आई कि अगर आप ये दवाई ले रहे हैं, ये चीज़ दे रहे हैं, इससे ये ठीक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पूरी तरह हमारे यहाँ पे फैली है कि हर दिन, आप बिलीव नहीं करेंगे, हर दिन कम से कम सैकड़ों के तादाद में फेक न्यूज़ के वीडियोस बन रहे हैं। कुछ लोग गलती से शेयर कर रहे हैं, कुछ लोग जानबूझ के इन वीडियोस को शेयर कर रहे हैं ताकि लोग गुमराह हो सके इन चीज़ों से। तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड आपके पास आ जाता है वो कितना डेंजरस हो सकता है। 2 साल पहले हमने देखा झारखंड से ये स्टार्ट हुआ, चाइल्ड लिफ्टिंग के केसेस हुए वहाँ पे, व्हाट्सएप फॉरवर्ड चले कि कुछ लोग आ रहे हैं जो बच्चों को अगवा कर रहे हैं। तो ये काफ़ी उससे झारखंड से स्टार्ट होके काफ़ी उसमें माहौल बहुत ख़राब हुआ। काफ़ी लोग बिलीव करने लगे कि अगर कोई अजनबी बंदा उनके गांव में आने लगा तो उसको वो पूछने लगे, पूछने के साथ साथ ऐसे लगा कि काफ़ी लोग पूछने के बगैर उनको मारना स्टार्ट कर दिया कि आप बच्चे चोरी कर रहे हैं आप। तो खाली उस साल में, उन 2 सालों में 30 लोगों की जो हत्याएं हुई व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की वजह से। इसी को हम बड़ा ये मानते हैं कि बहुत बड़ा इशू है कि जो भी लोग हैं, चाहे वो टीचर हैं, एकेडमिक्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, फैक्ट चेकर्स हैं, कम्युनिटी रेडियो से जुड़े हुए हैं, आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ सपोर्ट करिए। कुछ भी चीज़ हम ना फॉरवर्ड करें जब तक उसको हम पूरा वेरीफाई ना करें। अगर किसी बंदे ने कोई भी चीज़ हमारे साथ शेयर की, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो, चाहे हमारा दोस्त हो, हम उससे ये पूछें कि आपको ये खबर कहाँ से आई, क्या सरकार ने इसकी डिटेल दी है, क्या पुलिस ने डिटेल दी है, क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने डिटेल दी है, क्या किसी न्यूज़पेपर में खबर आई है, क्या किसी जो रिप्यूटेड न्यूज़ एजेंसी है उस पर खबर आई है। ये सारे सवाल हमें पूछने चाहिए, क्या अगर हम वो सवाल नहीं पूछेंगे, हम उसको आगे शेयर करेंगे, उससे ये समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है। और हमारे देश में अभी कानून भी इसके लिए बड़े सख्त हैं, यानी अगर आप फेक न्यूज़ शेयर करते हैं, काफ़ी स्टेट्स में आपने देखा लोगों को अरेस्ट भी किया गया है इस चीज़ को लेकर। तो इसमें बड़ा लीगल इशू भी है, अगर आप किसी ग्रुप में एडमिन हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस ग्रुप में कोई ऐसी खबर
जो मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज है, वो ना शेयर हो। तो इसमें आपके पास दो चार चीजें जो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट सीखने की है, वो मेरे दोस्त हैं मुकुल जी, वो आपसे शेयर करेंगे। एक तो फोटो वेरिफिकेशन का है कि फोटो जब आपके पास आए उसको कैसे वेरीफाई आप करें। तो फोटो वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो चार इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। दूसरा चीज आपके पास वीडियो वेरिफिकेशन है कि जो वीडियो आपके पास है क्या ये सही वीडियो है, क्या ये अपलोड कब हुआ है, ये किसने लिया हुआ है। तो ये बहुत, इसमें भी बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो मुकुल जी मुझे उम्मीद है वो आपसे शेयर करेंगे। पर मैं आपकी 2 मिनट और लेना चाहूँगा। तो हमारे पास एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो कि दुनिया का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा मीडिया लिटरेसी का प्रोजेक्ट है, यह हम इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। मैं आपके जो सारे साथी हैं कम्युनिटी रेडियो से ज़्यादातर जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको इन्वाइट करूंगा इस प्रोग्राम में आके जुड़ जाएं। हम पूरे देश में लगभग 250 लोग सेलेक्ट करेंगे, ऑलमोस्ट हर किसी स्टेट से एक या दो बंदे लेंगे। तो ये इसका पर्पज़ ये होगा कि पूरे देश में हम ट्रेनिंग, जैसे ही हालात अब ठीक होते हैं तो हमारा प्रोग्राम ये है कि पूरे देश में हम ट्रेनिंग करेंगे। तो इस प्रोग्राम का नाम फैक्शाला है। फैक्शाला एक पूरी देश में एक मीडिया लिटरेसी के रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है जो इंटर न्यूज़, जो अमेरिका बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हम डेटा लीड्स उनके साथ कोलाबरेट किए हुए इस प्रोजेक्ट में, और गूगल का इसका सपोर्ट है, उनका कोलाबरेशन के साथ हम ये प्रोजेक्ट इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है बिकॉज कोविड की वजह से हम अभी प्रॉपर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो बट हमारी इसमें जो कॉल है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो लोग इसमें जुड़ सकते हैं। तो इसमें कौन से लोग जुड़ सकते हैं, 250 लोग हमें इसमें अपने साथ जोड़ने हैं पूरे देश से। अगर कोई भी आपका साथी जर्नलिस्ट है वो इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहता है, फैक्ट चेकर है, कोई सीनियर मीडिया फैकल्टी मेंबर्स हैं, कोई प्रोफेसर्स हैं, अलग अलग नॉट लिटरेचर के प्रोफेसर्स हैं, कम्युनिकेशन के प्रोफेसर्स हैं, वो जुड़ सकते हैं, या सिविल सोसाइटी के जो लीडर्स हैं वो इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। और बट एक चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि हम इन लोगों को सिलेक्ट करेंगे, 5 दिन की ट्रेनिंग इनकी होगी, जो ग्लोबल और देश के जो एक्सपर्ट्स हैं इस सब्जेक्ट को लेके, वो इनको ट्रेन करेंगी। या तो दिल्ली में ट्रेनिंग होगी, बैंगलोर में 7 जगह पे ट्रेनिंग होगी, या ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। अभी जैसे हालात बने हैं उसको देख के ही वो डिसाइड होगा। बट उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है, जो भी साथी इसके साथ जुड़ जाते हैं उनके साथ हमारा एक ही जो प्रॉमिस है कि वो आगे जाके और लोगों को ट्रेन करेंगे। और हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो भी साथी इसमें जुड़ेगा उसका उनका कुछ मॉडेस्ट ऑनरेरियम भी है ताकि उनका जो खर्चा है वो निकल जाए उसमें। तो ये ट्रेनिंग हम स्टार्ट किए हुए हैं। तो अगर आप ये जो मैप आप देख रहे हैं, अगर आप उसको सही से देखें, जहाँ जहाँ भी ये डॉट का निशान है, अगर आप किसी भी जगह इन डॉट की जगह पे रह रहे हैं तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। जो भी जहाँ जहाँ पे डॉट देख रहे हैं आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की जो है ये वेबसाइट का जो लिंक है नीचे, अगर आप इसको फोटो उठा के या लिख ले तो इसमें आपकी सारी डिटेल है कि ये प्रोग्राम खुसूसन हम चाह रहे हैं जो रेडियो कम्युनिटी के लोग साथी जुड़े हैं वो इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ जाएं। तो हमारा जो इनके साथ कम्युनिकेशन रहेगा, ये हमें इस ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी आप फोटो ले सकते हैं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, इस ट्विटर हैंडल को, आपको सारी जानकारी जो है जो फैक्ट चेकिंग के बारे में देश में जो हम एक मुहिम बना रहे हैं उसके लिए हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोरोना वायरस को लेकर मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा बार बार ये चीज़ लेके, कि अभी भी हमारे देश में इस बीमारी के बारे में काफ़ी लोग एक्सपर्ट नहीं है, कहीं पर भी नहीं। और अगर आप किसी से बात, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, आप बात करना चाहते हैं, तो मेरी सलाह ये है जो लोग कम्युनिटी मेडिसिन के लोग हैं, एपिडेमोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट जो हैं, अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं डॉक्टर से, तो इस तरह के डॉक्टर से आप बात करके लोगों तक एक खबर पहुंचा सकते हो कि अभी क्या सिचुएशन है हमारे गांव में, शहर में, डिस्ट्रिक्ट में। या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हर जगह पे खसूसी हिदायत दी गई है कि वो कैसे लोगों को इसके बारे में जानकारी देते रहें, क्योंकि रोज ब रोज सिचुएशन चेंज हो रही है। अभी तक क्या हो रहा था, 5 दिन में, 6 दिन में नंबर डबल डबल हो रहा था, पर पिछले 4 दिनों में देखा कि लोग जैसे ही बाहर आने को आए तो हमारा जो नंबर है वो बड़ा इंक्रीज हो रहा है। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप बड़ा ही वेरिफिकेशन के साथ, जो बड़ा एक अजीब सिचुएशन में हम सारे लोग फंसे हुए हैं, तो अगर गलत खबर जाती है तो उसका बड़ा भयानक वो असर हो सकता है। तो रिक्वेस्ट ये है कि प्रॉपर वेरिफिकेशन जो भी टूल्स हैं उनको फॉलो करके, उनको लर्न करके
आप फैक्ट चेकिंग के साथ लोगों को इन्फॉर्म करें। धन्यवाद आपका। जी, नजाकत सिंह, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी बात को हम लोगों के लेवल पे समझाया, क्योंकि हम इसके एक्सपर्ट नहीं, फिर भी आपके एक एक शब्द हमारे लिए बहुत बेसकीमती और दिमाग की तह तक जाने वाले रहे हैं। मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे हैं, वो हम आपके साथ में भी डिस्कशन करना चाहेंगे, पर उससे पहले मैं प्रोफेसर मुकुल साहब को, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता और जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के हेड एंड प्रोफेसर हैं, और पिछले 20 सालों से आप जर्नलिज्म के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता नायपाल की जो बुक है उसको भी आपने हिंदी में ट्रांसलेट करा, उसका अनुवाद करा है, और मानवाधिकार मीडिया से संबंधित आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। आप बहुत सारे समाचार पत्रों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, और मैं बहुत ज्यादा मुकुल साहब सबके बीच में अपना समय ना लगाते हुए, एक जो खास मुकुल साहब के साथ में जो आज और कल से जो जुड़ी है, वो है कि मुकुल साहब और सौभाग्य से मैंने एक ही संस्था से शुरुआत की पढ़ाई करी है। मुकुल साहब, सिंह साहब, मुझे मुझे लगता है कि पहले के जो दो वक्ता हैं, तो पहले हम उनको शामिल करते हुए अगर हम इस वर्कशॉप को आगे बढ़ाएं तो उदाहरण जी, मैं आपकी इजाजत से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कुमार भावेश जी को। कुमार भावेश जी न्यूज 24 के बहुत लंबे समय तक आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहे हैं, और अभी आप एक नेशनल वॉइस जो प्राइम चैनल है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का, उसमें आप एडिटर हैं। आप इससे पहले अमर उजाला गोरखपुर में एसोसिएट एडिटर रह चुके हैं, और आपने डीडी न्यूज का जो रोजाना जो कार्यक्रम था उसमें सीनियर प्रोड्यूसर की भूमिका निभाई है। सुबह सवेरे जो डीडी नेशनल का कार्यक्रम था उसमें भी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और आपने दैनिक जागरण, अमर उजाला, अमृत वर्षा, बहुत सारे इस तरह के समाचार पत्रों के एक फहरिस्त है उसको संभाला है। अधिक समय न लेते हुए आमंत्रित करना चाहूंगा कुमार भावेश जी सर। जो अपने पहले वक्ता हैं उनको सुन रहा था, काफी इंटरेस्टिंग है वो जो पूरा उन्होंने काम किया है। नजाकत साहब को सुन रहा था, अगर मैं स्पेल सही कर रहा हूँ उनके नाम का, सैयद नजाकत। तो जी, सैयद नजाकत साहब की बात से ही मैं शुरू करता हूँ कि ये जो अभी सूचना का जो दौर है, इस दौर में जिस तरह से चीजें जितनी तेजी से हमारे पास आ रही हैं और उसको हम फिल्टर नहीं कर पा रहे, और हर सूचना को हम ये मान लेते हैं, और हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम शायद बहुत सारी हमारे पास क्यूरीज होती हैं, हम बहुत सोचते हैं उसमें क्या सच्चाई हो सकती है, क्या नहीं सच्चाई है उसमें, या कितना सच हो सकता है, कानूनन उसमें कितनी ये वाजिब बातें कही गई हैं, लेकिन आम आदमी उसको उसको फिल्टर नहीं कर पा रहा है, और वो उस सूचना को ये समझता है कि यही जानकारी है और यही सही सूचना है, और इसीलिए ये सूचनाओं का जो बिल्कुल एक जाल सा बन जाता है, एक सूचना किसी व्यक्ति के पास आती है, खासतौर पे जब सोशल मीडिया का इतना प्रसार हो गया है, हर आदमी आज पावर्ड है एक मोबाइल के साथ, एक स्मार्टफोन के साथ। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज मिल रही है सबको? जी बिल्कुल बिल्कुल सही आवाज आ रही है सर, बिल्कुल सही आवाज। जी मुकुल जी, आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है, सही आवाज आ रही है सर, सही आवाज। मैं कंटिन्यू, मुझे ऐसा जी लगा कि मेरी बिल्कुल आवाज शायद नहीं पहुंचे इसलिए मैं रुक गया। तो ये सूचना का, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आ जाने से हमारे पास, सभी नागरिकों के पास एक कुछ कहने की और कुछ पहुंचा देने की, कुछ सूचना को आगे बढ़ा देने की एक ताकत मिल गई है, और इस ताकत का इतना एक मानवीय स्वभाव भी है, आप कह सकते हैं कि हमारे पास जैसे ही कोई सूचना आती है, ये बहुत पुरानी आदत है, मानव प्रवृत्ति है ये, कि हमें जैसे ही एक सूचना मिलती है तो हम उसे शेयर करना चाहते हैं, उसे बताना चाहते हैं। जब ये सोशल प्लेटफॉर्म नहीं था तभी भी यही स्थिति थी, गांव में कोई खबर आती थी और उसके बाद उसको लगता था कि ये सूचना बड़ी सूचना है, हमें इसको आगे ले जाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। तो ये जो मानवीय प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति को एक
और ताकत मिली, एक और अच्छा मंच मिल गया, वो मिल गया व्हाट्सएप मिल गया, हमें ट्विटर मिल गया, हमें फेसबुक मिल गया, जहां से हमें सूचनाएं मिलती है और हम उन सूचनाओं को सही मानकर आगे बढ़ाते हैं। तो ये इतनी सी बात है, लेकिन फेक न्यूज सिर्फ यहीं से पैदा नहीं हुआ कि हम इस मानवीय प्रवृत्ति की वजह से हम सूचनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, इसका दुरुपयोग भी होने लगा। कुछ लोग जानबूझकर ऐसी चीजें जो उनको सूट करती है वो ऐसी सूचना को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ कुछ लोग मिस्चीवियस तरीके से उसमें शरारत के करने के ख्याल से उस सूचना को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहीं मैं पढ़ रहा था और जानकारी आई थी कि हमारे जो है 7 रीजन्स होते हैं और 7 इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से ऐसी सूचनाएं आगे बढ़ जाती हैं। इवन उसमें एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं कि डॉक्टर्स भी कई बार सूचनाओं को ऐसे आगे बढ़ा देते हैं मेडिकल क्षेत्र की, उनको लगता है कि ये सूचना आगे जाएगी तो काम करेगी, वो सूचना वो उसका आधार गलत होता है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे कोरोना आया तो इसके इलाज को लेकर एक बहुत सूचनाओं का एक जाल बुना जाने लगा कि ये कोरोना ऐसे खत्म हो जाएगा, इस कोरोना को ऐसे मात दिया जा सकता है। और अमेरिका ने जब हाइड्रोक्लोरोक्वीन दवा मांगी तो लगा कि हमें दवा मिल गई है और सब लोग उन्होंने उसका अपने घर पे जो है वो स्टॉक जमा कर लिया, क्योंकि ये दवा भारत में ही बनती है और इसके बारे में बड़ी चर्चा हुई मीडिया में और इसको लेकर अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर एक थोड़ी तल्खी सी हो गई थी और उसके बाद ये दवा हमने भेजा। तो इस तरह की सूचना जब लोगों तक पहुंचती है तो उसकी प्रामाणिकता और बढ़ जाती है और उसको लेकर हमने देखा कि किस तरीके से उस दवा को लेकर एक उत्साह बन गया और लोगों ने दवा की दुकानों में वो गायब हो गई। तो ये जो सूचना एक्सपर्ट के लेवल पर सूचनाओं का स्पष्ट तरीके से नहीं बताने की वजह से भी एक्सपर्ट लोग भी गलत सूचनाएं फ्लोट कर रहे हैं और सूचनाएं आगे बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये आम लोग, शरारती लोग और सिर्फ इसी ऐसे ही ये सूचनाओं का गलत दुरुपयोग हो रहा है या सूचनाओं का एक लोगों तक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। ये कई माध्यमों से, कई प्रवृत्तियों की वजह से आगे जा रहा है। अब हम इन सूचनाओं को कैसे, ये बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में कि उन सूचनाओं को कैसे हम सही तरीके से, क्योंकि ये सूचनाएं हमें नुकसान कर रही है, समाज में नुकसान पहुंचा रही है और इसका लोग शिकार भी हो रहे हैं। अपने भारत में तो हमने इस तरह के जो, अगर इस सूचना से किसी को नुकसान हो रहा है और इसका एक बड़ा विकृत चेहरा सामने आता है तो उसको, उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को लेकर कोई अभी स्पष्ट कानून भी नहीं बना है। जो मौजूदा कानून है उसी में से हम पुलिस जो है उस पर, उसके आधार पर कार्रवाई कर रही है, बल्कि अभी एपिडेमिक एक्ट जो है उसमें इंक्लूड कर लिया गया है कि अगर कोरोना वायरस से रिलेटेड अगर कुछ गलत सूचनाएं अगर आप आगे बढ़ाते हैं और उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है तो आपके ऊपर उस कानून का प्रावधान करते हुए आपके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आज की तारीख में ये बड़ा बड़ा चैलेंज है कि ये जो एपिडेमिक्स के साथ साथ जो इन्फोडेमिक्स आ गया है, ये एक जो इन्फॉर्मेशन का महामारी जो फैल रही है और इसकी वजह से जो समाज में जो दिक्कतें पैदा हो रही है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। मुझे लगता है कि फेक सूचनाओं का जो पहचानने, अगर कोई इसका आसान तरीका है आम लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि मुकुल जी और ये जो अपने एक्सपर्ट हैं इस मामले के, ये लोग बताएं और हमें गाइड करें कि कैसे करें। हालांकि जो एज ए जर्नलिस्ट हम ऐसी सूचनाओं को लेकर बहुत ही संयमित रहते हैं और नियंत्रित होकर इस चीज को करते हैं। अभी अभी हमारे पास एक हम कल परसों एक चर्चा में शामिल हो रहे थे तो उसमें एंकर ने सवाल पूछा कि अभी एपिडेमिक के दरमियान ही चाइना ने परमाणु परीक्षण किया है। अब सवाल ये है कि चाइना ने परमाणु परीक्षण किया है, अभी पूरी दुनिया जब इस एपिडेमिक से लड़ रही है, कोरोना वायरस के आक्रमण से लड़ रही है, इससे निजात पाने के लिए हम तरह तरह के जतन कर रहे हैं, हम अपने घरों में घुस गए हैं और हम बिल्कुल डरे हुए हैं और इससे कैसे बाहर निकलें इसको लेकर, चूंकि अभी जैसे बताया उन्होंने कि इसको लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसके सिम्टम्स स्पष्ट नहीं है, इसका इलाज हमारे पास नहीं है, इसके वैक्सीनेशन हमारे पास नहीं है, तो हम इससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई देश क्या ऐसी परिस्थिति में वो परमाणु परीक्षण कर सकता है? क्या ये बात, इस बात में कोई सच्चाई हो सकती है? लॉजिकल सोचा जाए तो इसको देखने की जरूरत है कि शायद ये सच्चाई नहीं है। लेकिन ये मैंने उस डिबेट में हिस्सा लेने के बाद मैंने कहा कि भाई इस तरह के सवाल को
करते हुए हमें लगता है बहुत ही संयम से सवाल पूछने भी चाहिए और इस सवाल का जवाब भी बहुत संयम से आना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां पर इस तरह की सूचनाओं का विस्फोट जो है बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है। तो जाहिर है कि हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल असलियत क्या है, सच्चाई क्या है कि अमेरिका में आपको मालूम है चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, और अमेरिका का जो अप्रोच है कोरोना वायरस को लेकर और चाइना को लेकर, ये सबको मालूम है। डोनाल्ड ट्रंप साहब किस तरह की बातें कर रहे हैं चाइना को के ऊपर, जो है इसका पूरा दोषारोपण कर रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर वो दोबारा चुनाव जीत के आ जाते हैं दिसंबर के बाद तो वो चाइना से बिल्कुल भिड़ंत भी शुरू करेंगे, चाइना भी अपनी पूरी ताकत से उनसे साथ मुकाबला करेगा। तो एक ऐसी परिस्थिति बन रही है, वैसी परिस्थिति में हम इस सूचना को कैसे डिस्कस करें और कहां तक ले जाएं समाज में, ये बहुत ही सावधानी की बात है। तो मुझे लगा कि हर सूचना का एक दुरुपयोग है और उसलिए बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है कि उसका उसको हम जब तक उसकी परख नहीं हो जाती है तब तक उसको नहीं ले जाएं। फिर इसके अलावा कुछ छोटी मोटी सूचना है जो हमें नुकसान तो नहीं पहुंचा रही लेकिन भ्रम फैला रहा है। जैसे अभी लेटेस्ट मैं देख रहा था, चूंकि मुझे इस डिबेट में हिस्सा लेना था तो मैं सोच रहा था कि मैं जान लूं कि अभी क्या फेक न्यूज फैला, तो अपने यहाँ पीआईबी वेबसाइट पे उन्होंने बनाया है पीआईबी फैक्ट चेक, एक ट्विटर हैंडल है उनका पीआईबी का, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो भारत सरकार का सूचना मंत्रालय के अधीन वो रन करता है। तो उसने अपना पीआईबी फैक्ट चेक एक ट्विटर हैंडल उन्होंने बना रखा है, उस पर अभी दो घंटे पहले या एक डेढ़ घंटे पहले एक नई सूचना अपडेट हुई है कि कोई मैसेज चल रहा है व्हाट्सएप पे कि कोरोना ये जो समय है इस दरमियान जो है 17 मई तक सभी मोबाइल जो कंपनियां हैं वो फ्री आपको इंटरनेट सर्विस दे रही हैं। अभी सूचना का कोई दुरुपयोग नहीं है लेकिन एक भ्रम की स्थिति है, तो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कौन कर रहा है? इसी आधार पे एक तो ये भ्रम है, दूसरा इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। आपने देखा कि किस तरीके से सूचना को लेकर राजनीति भी हुई कोरोना काल में, एक एक समाज के बारे में एक जानकारी फैलाई गई कि भाई वो समाज ही पूरा इस भारत में कोरोना वायरस को फैलाने को लेकर जवाबदेह और जिम्मेदार है, उसने एग्रीवेट किया। ये सच्चाई हो सकती है कि उन लोगों ने लापरवाही की, उन लोग उसके उस समाज ने, मैं तबलीगी जमात की बात कर रहा हूँ, उस समाज ने इसको लेकर बहुत गंभीरता नहीं दिखाई, या एक मुस्लिम समाज में ये भी भ्रम फैलाया गया कि जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा उसको जो है कोरोना हो ही नहीं सकता है। तो ये गलत तरह की सूचनाएं हर स्तर पे हर तरीके से चल रही है, उसको फिल्टर करना, उसको सही करना, और कौन वो अथॉरिटी होगी, कौन वो सच बोलने वाला होगा, वो कौन विश्वसनीय व्यक्ति होगा या वो हैंडल होगा जहां से लोग आखिरी तौर पे ये मान ले कि नहीं ये सूचना गलत है। जैसे पीआईबी ट्विटर हैंडल ने अगर उसको इसको रखा है तो मुझे लगता है एक जानकारी आम लोगों को रहनी चाहिए कि अगर सरकारी तंत्र में कोई ऐसा एक आता है, कोई सूचना आती है, तो हमें वहां चेक करना चाहिए क्या उसके बारे में कोई उसने स्पष्टीकरण दिया है। तो अब मुझे लगता है उस ट्विटर हैंडल को सबको जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं उसको फॉलो करना चाहिए और वहां पे एक बार चीजों को चेक करना चाहिए। बहुत तरह की सूचनाएं अगर आप देखेंगे तो उसको हर दिन कोई ना कोई स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है भारत सरकार के उस ट्विटर हैंडल पे आके कि ये सूचना ये जानकारी सही नहीं है, लोन के बारे में है, इसी तरह बहुत सारी जानकारी है। तो ये एक आज की तारीख में बहुत बड़ा चैलेंज है, ये कैसे किया जाएगा ये एक बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है ये और बड़ा ये जो आप डिबेट कर रहे हैं और इस डिबेट को जितना प्रसारित किया जाएगा और जितने अधिक लोगों तक पहुंचेगा कि हमारे पास जो जानकारी आ रही वो अंतिम सत्य नहीं है, नहीं तो ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला कंसेप्ट है ना कि व्हाट्सएप पे जो जानकारी आ गई हमारे पास वो अंतिम सत्य है, हम मान लेते हैं कि यही सच है और हम झगड़ने लग जाते हैं, तो वो स्थिति नहीं है। जबकि तो इसको मुझे लगता है जो तमाम इस विषय पे ज्यादा गंभीरता से काम कर रहे हैं इस बारे में अगर मुकुल जी या फिर एक बार फिर अगर वो हमारे जो एक्सपर्ट साहब शुरू में बोल रहे थे तो अगर वो बताएंगे तो मुझे लगेगा कि इस डिबेट में शामिल होकर मुझे जो है कुछ ज्ञान मेरा बढ़ेगा और मुझे एक सच्ची जानकारी मिलेगी। जी 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 धन्यवाद भवेश जी साहब, आपने बहुत ही सहज तरीके से और इतने अच्छे सरल शब्दों में बात को स्पष्ट करा कि बिल्कुल सारी बातें जो हमारे लिए बहुत रहस्य बनी हुई थी और वो आम व्यक्ति तक कम्युनिटी रेडियो तक जो हमारे पूरे देश में रेडियो स्टेशन है अभी जो चर्चा हो रही है इसको हम रेडियो प्रोग्राम बनाकर सारे रेडियो स्टेशन पर भी भेजते हैं उसके माध्यम से वो जन जन तक भी पहुंचेगी। मैं आमंत्रित करता हूं पहले कुमार गिरीश जी को जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, NFDC इंपैनल्ड इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं
और आपने बहुत सारी तकरीबन 25 कंट्रीज सरकार के लिए तैयार करी हैं, राज्य सरकारों के लिए, भारत सरकार के लिए, जो जन जागृति के लिए उनका उपयोग रहा है। सुबह सवेरे DD1 के कार्यक्रम में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आज तक चैनल में भी आपने बहुत ही एक सीनियर लेवल पर आपने काम करा। कपाट का बिजनेस रूरल इंडिया जो मैगजीन है इंग्लिश, उसको भी आपने पब्लिश करा। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कुमार गिरीश जी। अच्छा धर्मपाल जी और सारे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस FCRS को धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, और बहुत ही अच्छी जानकारियां मुझे, मैं पहले नजाकत जी से, फिर भवेश जी से मिली और मुकुल जी से, उम्मीद है कि और सारी बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। हम लोग तो बहुत जनरल बातचीत करना चाह रहे हैं। आवाज आ रही क्या मेरी आपको? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है, बहुत स्पष्ट आवाज आ रही है जी। गिरीश जी आपकी आवाज आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है जी। मैं एक एक छोटी घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। 16 मार्च की रात में मेरे मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज मिला, जिसमें एक सज्जन ने दावा किया था कि वो चीन के इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, और उन्होंने एक बड़ी रोचक सी कहानियां बताई कि चीन में कैसे, कि हम लोगों को जो भी जानकारी मिली हुई है इसके बारे में, कोरोना वायरस के फैलने के बारे में, वो गलत जानकारी है। और दरअसल हुआ कि ये वायरस चीन, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर बनाई है, और इसका एक बड़ा ही घृणित और बड़ा ही अजीब सा डिस्क्रिप्शन उस पूरे उसमें था। और आप ये समझिए कि वो रात मेरे लिए बिल्कुल, मतलब डरावनी जिसको बोलते हैं, कि आप बिल्कुल डर, और कि कैसे गैंगवॉर हुआ और कैसे वो गलती से गिर गया जमीन पे और वहां से वो वायरस चारों तरफ फैलता फैलता लोगों तक पहुंचा, और जो स्थितियां बताई जाती कि मेरे बेटे को वायरस हो गया और मुझ में ये क्यों आया, वो इंटेलिजेंस ऑफिसर तो बार बार ये बात कह रहा था कि मैं इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ, तो और मुझे नेक्स्ट डे पुणे जाना था। अब मैं तय नहीं कर पा रहा था कि जाऊं ना जाऊं, लेकिन थैंक्स टू गूगल उसी समय मुझे थोड़ी चुकी पता था, और मैंने एक स्टोरी, मैं जब इसको ढूंढना शुरू किया तो एक फैक्ट चेकर पे एक ये भी मिल गया स्टोरी, ये स्टोरी फेक है, और ये एक स्टोरी एक चाइनीज पार्ट है, और वो चूंकि चाइनीज में लिखा हुआ है इसलिए हम लोगों को उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो उस समय से पता चला कि फेक न्यूज का इम्पैक्ट कितना गहरा होता है, और इस फेक न्यूज को फैलाने के पीछे जो दो तीन मकसद हैं, पॉलिटिकल एम्स, कुछ लोगों के पॉलिटिकल एम्स हैं, जो सत्ता में है या विपक्ष में, उनके बहुत बड़े एम्स होते हैं कि वो चाहते हैं कि अपनी चीजों पर पर्दा डालने के लिए फेक न्यूज एक बहाना होता है उनके लिए, जिसकी वजह से वो इस न्यूज को का इस्तेमाल करके और अपनी सत्ता बचाने का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सेल्फ प्रमोशन, हमारा जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन आते हैं कि हमारे कल्चर प्रमोट हो रहा है, हम प्रमोट हो रहे हैं, कोई दवाई के नाम पे बता देते हैं, कोई कहते हैं कि हमारे शिव पुराण में कोरोना वायरस का जिक्र है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरी जानकारी भी नहीं है उतनी कि वो सही है कि गलत है, लेकिन ये है कि हम जो लोग कम जानते हैं, जो लोग नहीं जानते, या हम सब लोग जानने की भी एक सीमा होती है कि हम एक्सपर्ट नहीं है अपने अपने सब्जेक्ट में, हमारे जानने की एक सीमा, और उस सीमा तक जब हम नहीं जानते हैं, हम उसको, हम सही और गलत में भेद नहीं कर पाते हैं, तो आम आदमी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसके पास किसी ऑथेंटिसिटी के पास जब, के साथ जब ये खबरें जाती हैं, तो उसके उसके मानस पटल पे क्या असर होता होगा, ये बात है, और हम इसका अंत लगा सकते। इन्फोडेमिक है, हम पैंडेमिक कहने की बजाय ये इन्फोडेमिक है, और ये एक तरह से ये भी महामारी का रूप है, और ये हमारे इमोशन, हमारे फियर और हमारे प्रिजुडिस के साथ में खिलवाड़ करते हैं। लोग कौन है आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। इसका मतलब अपनी तरफ से फैलाता है, हम लोग बहुत से लोग इस्तेमाल, हम सहजता, हर एक्चुअली आमतौर पे एक आम आदमी बिल्कुल ही सहज होता है, और वो अपनी बातचीत को बड़ी सहजता से कहना और सुनना चाहता है।
कारोबार करते हैं वो तो किसी भी तरह से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं, और हम लोग कभी मजाक में, कभी डर में, कभी फियर में, कभी किसी चीज उसको फॉरवर्ड कर दे चले जाते हैं बिना ये सोचे हुए कि इसका इम्पैक्ट शुरू में लीगल प्रोविजंस है लेकिन इंटेंशन नहीं है। फेक न्यूज के कारोबार में हर पक्ष, ये कारोबार है एक तरह से, सब आपके यहाँ से मोबाइल कनेक्टिविटी की शायद कोई प्रॉब्लम है ना, तो कोई सरकार गंभीर है ना कोई, और हम लोग भी गंभीर नहीं, हम लोग फेक न्यूज को मजाक में लेते हैं, अब ऐसा नहीं तो मजाक, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि ठीक है आ गया, ठीक है देख लिया, हंसते हुए कुछ भेज देते हैं, और ये बहुत ही गंभीर मामला है, और मेरे हिसाब से हम लोगों को बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, और कम्युनिटी रेडियो की इसमें एक भूमिका कि फैक्ट चेकर्स गवर्नमेंट, जो भवेश जी ने बताया कि जो गवर्नमेंट के फैक्ट चेकर्स आते हैं, पीआईबी का आता है, गूगल भी करती है, अगर हमें किसी खबर के बारे में मिलता है कि ये गलत है तो उस फैक्ट चेक को कम्युनिटी रेडियो को भी इस्तेमाल करना चाहिए और आम लोगों तक और अपने लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि ये गलत खबर है और इस खबर का इस्तेमाल ना हो, और कैसे कम इस पर कम्युनिटी रेडियो कुछ काम कर सकती है। बाकी मेरे पास बहुत जनरल थॉट प्रोसेस, बहुत जनरल चीजें थी, लेकिन एक्सपर्ट्स के रूप में मुकुल जी आपको बताएंगे कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। बेसिक तो प्रॉब्लम वही से होते कि फैक्ट चेक करना और उससे बचेंगे कैसे। धन्यवाद जी गिरीश जी साहब, आपने बड़ी धरातल की बहुत सारी बातें शेयर करी, निश्चित रूप से हम सभी के लिए वो बहुत सारी बातें नई है। मैं हमारे स्पीकर डॉक्टर सत्यनारायण जी झजड़िया जो गृह मंत्रालय के आईपीएस सेक्शन में कमांडेंट रहे हैं, मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आप सत्यनारायण जी झाजरिया साहब, आप क्योंकि एमएचए में रहे हैं लंबे टाइम तक और आईपीएस सेक्शन को आपने डील, इस तरह की स्थिति को, भ्रामक और झूठी खबरों को गृह मंत्रालय किस दृष्टि से देखता है और आपका क्या ओपिनियन है डॉक्टर झाजरिया साहब? सबसे पहले सर सभी बुद्धिजीवियों का मेरा नमस्कार। आज का जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी गंभीर और काफ़ी विस्तृत है, लेकिन समय सीमा को देखते हुए मैं इसको शॉर्ट रूप में ही करना चाहूँगा। जो फेक न्यूज़ हैं ये ना कि कोरोना काल में बल्कि हमेशा ही ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन कोरोना काल जैसी स्थिति में इनका कहीं ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस कोरोना काल के समय में जो मुख्य रूप से खबरें फैलाई गई फर्जी, उनमें एक तो मैं एग्जांपल दूंगा, अपने नज़दीक ही खाटू श्याम जी का एक ट्रस्ट है, उसकी तरफ से एक झूठी आईडी बना करके व्हाट्सएप पे डाली गई और ये कहा गया कि ये लोगों का राहत के लिए है, और उससे जो है लगभग 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड जो है लोगों के साथ किया। तो ये सारी जितनी भी न्यूज़ हैं ये फेक न्यूज़ हैं, ये साइबर क्राइम की श्रेणी में आती हैं, और इनके सबसे बड़े प्लेटफॉर्म जो हैं टिकटॉक वीडियो हुआ, फेसबुक हुआ और व्हाट्सएप, ये तीन जो प्लेटफॉर्म हैं ये सबसे ज़्यादा देखा जाए तो टिकटॉक के इस कोरोना काल के अंदर 215 वीडियो जो हैं अनलोड किए गए, फेसबुक के 300 मिलियन यूजर्स और व्हाट्सएप के 400 मिलियन यूजर्स जो हैं वो इस कोरोना काल में उनको यूज़ कर रहे हैं, और उसी के ज़रिए ये जो झूठी खबरें ये फैलाई जा रही हैं। इसके अंदर काफ़ी हद तक जागरूकता नहीं होने का भी एक रीज़न आता है कि जिसके अंदर हमें कुछ लुभावने वाली चीज़ें उसमें भेज दी जाती हैं, जैसे कि पीछे खबर चली थी कोरोना काल के अंदर मोबाइल कंपनियों ने जो है आपको फ्री डाटा दे रखा है, तो हम उसको क्लिक करेंगे और वो हम एक फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे। दूसरा एक फेक मैसेज चला था कि सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर के अंदर 4GB का जो है वो यूज जो है वो अलाउ कर दिया 24 आवर्स के लिए। एक फेक न्यूज चली थी कि पेंशनधारियों की जो है 30% पेंशन काट ली गई है। इसी तरह से मुंबई में जो रेल चलने का जो न्यूज़ फैलाई गई थी, ये काफ़ी
झूठी खबरें होती हैं जिनसे लोगों को काफी दुख और तकलीफ होती है और उसका खामियाजा जो है पूरी कम्युनिटी और देश को उठाना पड़ता है। इन चीजों से बचने के लिए भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने कुछ एडवाइजरी निकाली थी। उन्होंने आईटी एक्ट 2000 का और डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 और इंडियन पेनल कोड 2005 और 188 के अधीन ऐसे लोगों पर जो झूठी भ्रामक खबरें फैलाएंगे उनके खिलाफ इन रूल के तहत कानून कार्रवाई करने की एडवाइजरी जारी की थी। व्हाट्सएप को भी निर्देशित किया गया था कि आप जो है आपके प्लेटफॉर्म पे पूरा निगरानी रखेंगे और ऐसे कोई भी फेक न्यूज उसमें होगी तो उसमें आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और उसको आदेशित किया गया कि एक समय में एक सेट से फालतू आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसी प्रकार से टिकटॉक को भी गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित किया गया और उसके बहुत सारे वीडियो जो हैं वो रिजेक्ट करवाए गए वहां से। और गृह मंत्रालय ने इन खबरों की जांच के लिए एक कॉन्टेक्ट नंबर भी इश्यू किया था जो था 9013151515 करके। और इस प्रकार की चीजें जो है उन्होंने इस रोक के लिए किया। दूसरा एक मैं ये बताऊंगा कि जो हमेशा जो चीजें हमारे साथ घटती हैं एक्सेप्ट कोरोना काल के, तो झारखंड के अंदर आपने सुना होगा कि जमात्रा नाम की एक जगह है जो काफी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का और फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और अभी जो मैं एग्जाम्पल बताऊंगा वो एकदम मेरे नॉन लोगों के साथ हुए, मैंने प्रैक्टिकल उनको देखा। ऐसे में कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊंगा ताकि हम सब लोग अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को बता सकें जो इस चीज के ठगी ना हो सके। मेट्रोपोल जी जजरी साहब आपकी वॉइस जी अब सही आ गई। इसमें क्या करते हैं वापस जी, उसमें क्या करते हैं कि जैसे कॉल आता है कहीं से कि सर आपका इनकम टैक्स कट गया और मैं आपका ये रिटर्न करवा दूंगा, तो आदमी इतना भावुक हो जाता है। और इनके फ्रॉड में ऐसे बड़े बड़े लोग, यानी पिछले साल की बात है दिल्ली में एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे और वो फ्रॉड के शिकार हो गए और उनके अकाउंट से 2 लाख रुपए जो ऐसे उड़ा लिए गए। एक जो एटीएम कार्ड वाला जो सबसे ज्यादा चला हुआ है कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया या आपका खाता ब्लॉक हो गया, ऐसा करके आप सीवी नंबर बताओ और वो जो लोगों का फायदा उठा के ये कर लेते हैं। दूसरा एक फर्जी कॉल लेटर जारी करते हैं लोगों को और उसमें नेवी या एयरपोर्ट जैसे कि वो स्टैम्प और वो सारे मीनू वगैरह, तो आम आदमी को लगता है कि ये निश्चित रूप से ओरिजिनल होगा और वो उसमें लिखते हैं कि आप जो है इतना रुपया इस अकाउंट में जमा करवाइए और आपका जो है साक्षात्कार होगा। तो इस फ्रॉड में लोग आ जाते हैं। उस स्टेटों में ये होता है कि टेंडर के लेकर के ये जो ठेकेदार होते हैं उनको बोला जाता है कि फलां गवर्नमेंट से मैं आपको टेंडर करवा दूंगा। और ये चीज मैंने देखी है, एक बार मेरे एक मित्र थे नॉर्थ ईस्ट में, उनको एक फर्जी टेंडर भी इश्यू कर दिया गया और उनसे 1 करोड़ रुपए की फ्रॉड उसमें कर ली गई उन्होंने। इसी प्रकार रेलवे में भी है। एक दूसरा होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियों का सीएसआर और जो ट्रेड फंड होता है उसका एक फंडा होता है, मार्केट में बहुत झमेले चलते हैं उसके कि आप इतना रुपया दो मैं आपको ट्रेड फंड ऐसे दिलवा दूंगा, और वो फिर बाद में उन लोगों के पैसे लेकर के लोग भाग जाते हैं। अभी पीछे हाल ही का एक लॉकडाउन से पहले की बात है, गुड़गांव में एक कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मिस्टर यादव मेरे मित्र हैं, उनके पास कोई एक फ्रॉडी आया और उन्होंने कहा कि रिलायंस कंपनी जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर और ट्यूबवेल लगा रही है और मैं उसका कॉन्टेक्ट आपको करवा दूंगा। वो हमारे संपर्क में आया और हमने उसको बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे एक मित्र हैं जो अभी भी गृह मंत्रालय में, उनसे मैंने चर्चा की, उन्होंने पता किया रिलायंस से, तो उन्होंने बोला हमारा ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। जब उसको बताया गया तो उसने बोला कि सर मैं तो 2 करोड़ रुपए दे चुका उनको और अभी मेरी तो फाइनल मीटिंग होने वाली है, आपको पता नहीं है ये सही है, ऐसा करके वो जयपुर में मीटिंग के लिए चल गया, 30 लाख रुपए और लेके चला गया। जिस आदमी ने फ्रॉड करना था उसने गाड़ी में बैठाया, उसको शराब पिलाई और 10 लाख में उसको मारी दे दी। जब उसको फार्म हाउस में लेके गए कि आज रात को इसको मार दिया जाएगा, तो जिसने सुपारी ली थी उसने शराब पी के उससे पूछा कि भाई क्या है, तो उसने बताया कि साहब मेरे से तो 2 करोड़ 30 लाख रुपए ले लिया। उस बंदे का दिमाग घूम गया कि मेरे को सिर्फ 10 लाख रुपए, ये इतना रुपया ले लिया, उसने उसको छोड़ दिया और रोड पे फेंक दिया। तो जयपुर ग्रामीण का जो अजमेर की तरफ जाते हैं लास्ट थाना, उसके अंदर वो केस दर्ज हुआ और इस प्रकार से उस आदमी के साथ वो
फ्रॉड हो चुका। एक आपको फेसबुक के ऊपर रिक्वेस्ट आती है कि मैं यूएस आर्मी में सर्विस करता हूं और मोस्टली लड़कियों की तरफ से आती है और मैं अफगानिस्तान में तैनात हूं, यहाँ हमें तेल का बहुत सारा पैसा मिलता है और वो पैसा हम डायरेक्ट यूएसए नहीं ले जा सकते, आपके अकाउंट के थ्रू इंडिया होके ले जाते हैं, तो आप जरा अकाउंट नंबर शेयर करिए। तो इस प्रकार से भी वो अकाउंट से पूरा सामान जो है, ये मैं इसलिए कहा हूँ कि ऐसी रिक्वेस्ट मेरे पास भी आई है। दूसरा एक लास्ट ईयर का कि मेरे मित्र के पास सऊदी अरब से एक फ़ोन आता है कि मैं जो है ऐसे ऐसे इंडिया से दवाई परचेज करता हूँ और आप जो है एक ये सैंपल मेरे को दो, और वो क्या करते हैं उन्हीं के आदमी होते हैं, वो सैंपल में मिट्टी भर के दे देते हैं और उसके खिलाफ वो 30-35 हज़ार जो भी उनको मिलता है वो लेके चले जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं जो ऑफिस से आपके दोस्त बन जाते हैं और बताते हैं कि मैं अमुक देश से हूँ और इतने तारीख को मैं आ रहा हूँ, बाकायदा आपको वो जहाज की टिकट भी भेजते हैं, होटल का वो रूम बुकिंग भी भेजते हैं और फिर कस्टम रेलवे से एयरपोर्ट पे आकर के यूँ फोन करते हैं, जैसे हम समझेंगे कि एयरपोर्ट से बंदा तो बोलता कि जी मैं कस्टम से बोल रहा हूँ, आपके फ्रेंड फला फ्रेंड आए हैं और उनके पास ये आपके लिए गिफ्ट लाए, उसका जो है कस्टम चुकाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, आप इनको इतने पैसे भेजो, तो जो कोई शरीफ आदमी होता है वो बेचारा दे देता है और इस प्रकार से वो फ्रॉड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मेरा कहने का मतलब यही है कि कोरोना काल में तो ये जो पैनिक है ही है, इसके अलावा भी रियल लाइफ में भी हमें इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। बाकी आज अपने साथ बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, वो बताएंगे अपने को। धन्यवाद जी। बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया बताया डॉक्टर सत्यनारायण जी। जल्दी सर, आपने जीवन की बहुत सारी वास्तविक घटनाओं का जिक्र करा और जामताड़ा का भी जिक्र करा जिस पर एक बनी है सबका नंबर आएगा। 2012 से वो गांव शुरू हुआ और आज उस गांव की रौनक देखें, उसकी कोठियां देखें, तो कुछ अलग ही रौनक है, क्योंकि दुनिया भर के 22 राज्यों की पुलिस से उन पर मुकदमे दर्ज कर चुकी है और वहां किसी को आज तक अरेस्ट नहीं किया जा सका। मैं आज के हमारे स्पीकर साहब हैं मुकुल साहब की तरफ वापस से निवेदन करना चाहूंगा। मुकुल साहब भावे जी ने कहा कि एपिडेमिक नहीं इंफोडेमिक, बात बिल्कुल सही है। ने बताया कि एक पढ़ा लिखा उसके दौर में किस तरीके से डर जाता है, भयाक्रांत हो जाता है, तो ये एक अजीब सा दौर है। मेरे ख्याल से आपके स्क्रीन पर एक पावर प्रेजेंटेशन हो रही होगी, तो मैं मोटे तौर पर दो हिस्सों में अपनी बातचीत को रखूंगा। पहली चीज ये है कि क्या है, बहुत सारी आउटलाइन सैयद नज़ाकत साहब ने आपके साथ शेयर कर ली है, तो मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा और उसमें सामान्य व्यक्ति के तरीके से क्या कर सकते हैं। सवाल उठाया कि क्यों नहीं जो है ये फेक न्यूज रुक रही है और उसमें किस तरीके से हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर डायरेक्टर जनरल है WHO के, उनका कथन दिख रहा है कि वी आर नॉट जस्ट फाइटिंग एन एपिडेमिक, वी आर फाइटिंग एन इंफोडेमिक। तो और भारत जैसे देश में जहां हर हाथ में मोबाइल है और 1.5 GB है और करने को कुछ नहीं है, वहां क्या किया जाए, ये हो रहा है। और क्यों भारत ज़्यादा खतरनाक है खास करके कोविड जैसी महामारी के समय में। पहली चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि फेक न्यूज़ क्यों खतरनाक है। फेक न्यूज़ इसलिए खतरनाक है, जैसा कि सैयद नज़ाकत साहब ने कहा कि जब वो कहते हैं ना कि झूठ को जब 100 बार बोलो तो सच लगने लग जाता है, और उसके बाद जो सच चीजें आती हैं तो हम उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार। जो इंफॉर्मेशन है वो दो तरीके से फेक न्यूज को डील करती है, मिस इन्फॉर्मेशन और एक डिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन में ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन पर उसे पता नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन गलत है somehow, उसके कनेक्शन बिल्कुल उसे लगता है कि नहीं, तो उस चक्कर में फेक न्यूज रास्ता तय करती रहती है। और दूसरा होता है डिस इन्फॉर्मेशन। डिस इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन फैलाने वाला ये जान होती है गलत, लेकिन उसके कुछ अपने सर्टन बिलीफ एजेंडा मोटिव्स होते हैं, और उसमें इंटरनेट का मोनेटाइजेशन एक बड़ा कारण है।
पॉलिटिकल प्रोपोगंडा एक बड़ा कारण है, लोगों का कैरेक्टर असैसिनेशन एक बड़ा कारण है, ऐसे बहुत सारे कारण है जिनके कारण जो डिस इन्फॉर्मेशन है वो फैल रही है। तो जो फेक न्यूज है वो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन दोनों का मिला जुला रूप है। अब भारत क्यों खतरनाक है, भारत में बहुत सारे भोले लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया है, जो बेचारे कल तक तकनीक के ABCD से परिचित नहीं थे आज वो व्हाट्सएप चला रहा है, और उन्हें ये लगता है इंटरनेट पर जो कुछ आ रहा है, जो कुछ प्रिंटेड उन्हें मिल रहा है मोबाइल स्क्रीन पर, वो सब सही है। और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे शातिर लोग हैं जिन्होंने मौके का फायदा उठाने की सोची अपना स्कोर सेटल करने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए या पॉलिटिकल माइलेज के लिए। तो ऐसे में हमें और आप दोनों को समझदार होना पड़ेगा और हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और आग ने जो ही का काम किया वो व्हाट्सएप ने कर दिया है, और व्हाट्सएप में जो जिस तरीके की सूचनाएं हमें मिलती हैं, हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि भारत एक स्रोत परंपरा वाला देश है, और हम ये मानते थे कि जो चीज़ पिछली पीढ़ी से हमें मिली है वो लिखी नहीं है पर हमारे बुजुर्ग सच्ची होगी। पर और इसीलिए यहाँ गणेश जी दूध भी पी लिया करते थे, अफवाहें बहुत। अब उन अफवाहों को पर लग गए हैं जब मिल गया है उन्हें फेसबुक और व्हाट्सएप का साथ। तो अब क्या किया जाए, ये एक बड़ा मामला है। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से आपके सामने आती है, उसके कुछ तरीके हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन करना। मैं अभी आपको इनके एग्जांपल्स के साथ, उदाहरणों के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, मिस करती है यानी कि भटका देती है, रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, फोटो सही है वीडियो सही है पर उसे गलत संदर्भ के साथ उद्धृत कर दिया गया, फैक्चुअली इनकरेक्ट, पूरी तरीके से गलत है, आप अगर नॉनवेज खाएंगे तो कोरोना हो जाएगा, मैनिपुलेटेड कंटेंट को जानबूझ करके मैनिपुलेट किया गया, और अनसाइंटिफिक क्लेम्स और आउटराइट लाइज, जो मतलब पूरी तरीके से झूठ है लेकिन ये समझ की कोशिश करते हैं कि क्या जो चीज है। पहला आपकी स्क्रीन पर एक टिकटॉक वीडियो का स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ईटिंग ऑनियंस कैन प्रिवेंट कोरोना वायरस, की अगर आप प्याज खाएंगे तो आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। ये बेसिकली एक मिसलीडिंग मिस इन्फॉर्मेशन का उदाहरण है कि ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि एस्पिरिन कैन क्योर कोरोना वायरस इन्फेक्शन, की अगर आप एस्पिरिन खाएंगे ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, एस्पिरिन आपको किसी तरीके से वायरस से नहीं बचा सकती है। कोरोना वायरस इस तरीके बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने इस तरीके के दावे किए, मैंने कुछ ऐसे वीडियोज भी देखे कि जिसमें वो गौमूत्र बिक रहा है कि साहब इसे पी लीजिए ठीक हो जाएगा, पर ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ये ऐसा नहीं होता। मीट कंजम्पशन कॉजेस कोरोना वायरस, पर ऐसा नहीं है, ये भी मिसलीडिंग है। और ये एक आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि दिस मैप शोज हाउ वुहान रेजिडेंट्स हैव ट्रैवल्ड आफ्टर द आउटब्रेक स्प्रेडिंग डिजीज ग्लोबली, ये एक नक्शा दिख रहा है जिसमें लाल लकीरों से बता रहा है कि वुहान के लोग सारी दुनिया में गए और उसके बाद सबको कोरोना वायरस हो गया, और जो कि बेसिकली ठीक नहीं है। ये इस तरीके का कुछ भी मामला नहीं हुआ था। स्क्रीन प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है कि जिसमें ये बताया गया कि साहब जो वहां से लोग गए वो उन पर ऐसा नहीं है, वहां से लोग गए पर गए वहां से जो लोग थे वो दूसरे देशों में गए, और इस तरीके से ये जो ये फैलता चला गया। गार्गलिंग विथ सॉल्ट वाटर और विनेगर प्रिवेंट कोरोना वायरस इन्फेक्शन, ये भी मिसलीडिंग है कि अगर आप गरारा करेंगे पानी से या सिरके से तो उसे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा। हॉट एयर फ्रॉम स्पास एंड हेयर ड्रायर्स विल प्रिवेंट और ट्रीट COVID-19, ये भी फैक्चुअली इनकरेक्ट है, इस तरीके से कोई वायरस नहीं जाता है।
ये मैनिपुलेटेड कंटेंट क्या है कि एग्जांपल है सैटेलाइट मैप टू सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम वुहान चाइना बिकॉज ऑफ मास क्रिएशन ऑफ कोरोना वायरस विक्टिम, इससे जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस हुआ, पर ये COVID-19 अकॉर्डिंग टू और उस दावे में आप देखें कि इस तरीके का कोई मामला नहीं है। अब जो बेसिक चीज है वो ये है कि जब आपको इफ इट इज अ टू गुड टू बी ट्रू प्रोबेबली नॉट, कि इतनी इतने तरीके आपको मिल जाए अगर कि कोरोना वायरस इससे ठीक हो सकता है, ये जब सारी चीजें आपको पता है तो इंटरनेट के जमाने में आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि नहीं इसमें कुछ जरूर। तो जो पहला बेसिक रूल है वो ये है कि भोले मत बनिए, इंटरनेट पर जो कुछ भी जानकारी आपको मिल रही है हर चीज पर शक कीजिए और उसे क्रॉस चेक कीजिए, तभी उस बात को फॉरवर्ड कीजिए और तभी उस बात को सच मानिए कि किसी ने कुछ आपको, जैसे यूजुअली हम लोगों के साथ क्या होता है, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबके पास व्हाट्सएप होगा, व्हाट्सएप में आप कम से कम 10 से 15 ग्रुप के मेंबर होंगे, सुबह सुबह आपको 50 लोग के मैसेज और गुड मॉर्निंग के साथ आपको बताते हैं कि आप बहुत बीमार हैं, टमाटर के खाने से कैंसर होता है, एक दिन आएगा टमाटर के खाने से, अब ना तो उसके साथ कोई रेफरेंस है ना कोई लिंक है कि किसने कह दिया कि टमाटर के खाने से कैंसर होता है या टमाटर के खाने से कैंसर नहीं होता, अब वो लोग बना नहीं रहे, उनको कोई चिपका गया, वो आपको चिपका गए, आप सामने वाले को चिपका देते हैं, तो ये जो PR एक्सरसाइज है ना इससे भी फेक बहुत फैलती है, बहाने हम फलाने को याद दिलाते रहे। दूसरा जो चीज है जो फेसबुक और व्हाट्सएप ने क्या किया है कि पहले इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने का काम ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस करते थे, यानी कि अखबार करते थे, कुछ ही न्यूज चैनल थे वो करते थे, अब हर आदमी पत्रकार है और हर ग्रुप में वो अपने आप को सुपीरियर शो करने के लिए कि साहब सबसे पहले हमने खबर बताई, जो टेलीविजन पर होता था वो व्हाट्सएप ग्रुप में होने लग गया है ब्रेकिंग न्यूज, उस चक्कर में जो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है दिमाग लगाए बगैर सोचे समझे वो दूसरे को फॉरवर्ड करते कि नहीं सबसे पहले हमने बता दिया। जैसे रिसेंटली एग्जांपल अगर अगर मैं गूगल ऐसा ना होता, मैं जिस मोहल्ले और हमारे घर का जो ग्रुप है उस पे पिछले 4 दिन से वीडियो पड़ रहा है और वीडियो अलग अलग एंगल से पड़ रहा है, वीडियो एक ही है और ये बताया जा रहा है कि साहब हमारे मोहल्ले के आसपास एरिया में आज यहाँ कोरोना पेशेंट देखा गया पकड़ा गया है, मैं उसे बगैर देखे ही कह देता हूँ ये फेक है और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो हम खबरों की दुनिया में रहने वाले लोग हैं, हमें पता पड़ जाता वो वीडियो पता नहीं कहाँ का है और उसे डेली इस मोहल्ले में सर्कुलेट किया जा रहा है और ऐसा आपके आस पास भी हो रहा होगा। तो ये जो चीज है कि आप क्या कर सकते हैं कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बारे में, अगर आपने आसानी से ठीक हो जाना कॉमन सप्लाई कीजिए कि अगर कोरोना वायरस आसानी से ठीक हो रहा होता तो सारी दुनिया के देश क्या वो सारे समझदार वही लोग हैं जो इस तरीके के व्हाट्सएप मैसेजेस आपको कर रहे हैं कि आप इससे ठीक लोग लड़ते रहें। तो ये इसलिए जरूरी है कि आप इसके आगे का सोचें और उसके लिए जरूरी है कि आप हर फैक्ट को वेरीफाई करें एक बार दो बार तीन बार, और जब तक वो जानकारी पुख्ता तौर पर आपको ना मिल जाए तब तक आप उस बात को सच ना माने। अब वेरीफाई कैसे करें ये एक बड़ा सवाल है। गूगल हम सब यूज करते हैं, जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं कि गूगल का होम पेज खोल लेते हैं या क्रोम खोल लेते हैं और उस पर वो चीज टेक्स्ट डाल लेते हैं। टेक्स्ट डालने से गूगल क्या करता है कि उस वर्ड से रिलेटेड उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो आपको दे दे। अब इसी तरीके की एक सर्विस गूगल ने शुरू की है जिसे कहते हैं रिवर्स इमेज सर्च, यानी कि उस सर्विस का नाम है गूगल रिवर्स इमेज सर्च, यानी कि images.google.com। अगर आपके पास आप सीधे वेबसाइट पर जा images.google.com पर जाएं तो आपको ये इस तरीके का एक पेज आएगा और उसके लिए जो चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट पहले समझ लीजिए कि जो गूगल रिवर्स इमेज सर्च है
वो ये बता देगी कि जो भी आपको व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर इमेज मिली है वो गूगल के डेटाबेस में क्या इससे पहले यूज। अठारह में पड़ी हुई है गूगल के पास, तो आप समझ जाएंगे कि ये तस्वीर पुरानी। उसके अलावा आप इस इस्तेमाल से ये समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली ये जो इमेज है ये किस संदर्भ में इस्तेमाल हुई थी और आपको किस संदर्भ में दिखाई जा रही है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जब आप वेरीफाई कर रहे हो तो आपके पास असीमित धैर्य। ये 2 मिनट का मैगी नूडल्स नहीं है कि आपने इंस्टेंटली बनाया और खा लिया, तो आपके पास कि नहीं, क्योंकि कई बार होता है इंटरनेट अपने आप में एक जाल है, कई बार मछली फंसती है और कई बार कूड़ा आ जाता है, तो आपको थोड़ा सा मछली पकड़ने धैर्यवान तरीके से मछली नदी के किनारे कोशिश होगी बार बार, और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। आपको बड़ा बेसिक लेवल पे बता एक आम आदमी किस तरीके से क्रॉस चेक कर लेता है, और 100 में 90 बार आपको एडवांस टेक्निक का यूज नहीं करना पड़ता है, आप चीजें पकड़ सकते हैं, तो धैर्य बहुत जरूरी है। तो जो इमेज सर्च की हम बात बता रहे थे, तो इमेज सर्च काम कैसे करते हैं, मामला वही है कि अभी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं, अब क्या है कि आप तस्वीर टाइप, यानी कि जो तस्वीर आपको मिली हुई है आप उसे गूगल के डेटाबेस पर अपलोड कर, या आपके पास कोई लिंक है तो आप इमेज सर्च वाले उसमें उसे डाल दीजिए तो गूगल तो ये एक तरीके से जो आप गूगल में वो इमेज सर्च का एक ऑप्शन देता है। और इसका जो तरीका है वो एक है कि क्रोम में आप इसको एक्सटेंशन के रूप में जोड़ लें, ये आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इससे एक फायदा ये होगा कि आपको बार बार वेबसाइट पर या गूगल पर जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपके पास कोई इमेज आपके कंप्यूटर में सुरक्षित है और आप ये चेक करना चाहते हैं कि वो इमेज सही है या किस कॉन्टेक्स्ट में यूज की गई है, तो आपको बस उस तस्वीर पर माउस का कर्सर जैसे मैं घुमा रहा हूँ घुमा करके आपको राइट क्लिक करना होगा, और आपको इस तरीके का एक ऑप्शन मिल जाएगा सर्च गूगल विद दिस इमेज, तो गूगल अपने आप उसका रिवर्स इमेज सर्च कर देगा। ये एक इसका फायदा है। तो जो लोग अगर चाहें, अगर आप लैपटॉप और डेस्कटॉप पर यूज कर रहे हैं तो क्रोम में ऐड एक्सटेंशन का मामला आपको गूगल करके क्रोम में उसके साथ उसे जोड़ सकते। आप इसका भी एक्सटेंशन इसके साथ जोड़ सकते हैं, ये भी वही काम करती है। ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे रवाई इमेज सर्च में। फायदा ये है कि ये गूगल सर्च भी करती है, टिन आई सर्च भी करती है, साइडल सर्च भी करती है, यंडेक्स भी करती है, बाइडू भी करती है। मतलब ये कि गूगल सर्च इंजन है जो चाइना में काम भी करता है, चाइना का अपना एक सर्च इंजन। अब इससे होता क्या है कि मान लीजिए कि चाइनीज सर्च इंजन से कोई फोटो तो गूगल उसका जवाब नहीं देगा, तो जब आप रेवा इमेज सर्च का एक्सटेंशन जोड़ लेंगे क्रोम में, तो अगर आपको गूगल पर कुछ नहीं मिल रहा है तो आपको और ऑप्शन तलाशने पड़ेंगे। तो आप अगर रेवा इमेज सर्च ऐड कर लेते हैं तो हो सकता है कि आप चाइनीज जो डेटाबेस है वहां पर आप सर्च कर पाए। उसी तरीके से रशियन सर्च इंजन है जो है वो येंडेक्स है, तो येंडेक्स में अगर मान लीजिए कि रशियन डेटाबेस से कोई तस्वीर आई और जिसमें किया जा रहा है, जैसे कि पुलवामा अटैक के बाद एक तस्वीर घूम रही थी जिसमें किया गया कि ये साहब मास्टरमाइंड था, और वो येंडेक्स सर्च इंजन से एक नॉर्मल तस्वीर थी किसी आम आदमी की और वो भारत में घूम रही। तरीके से ये जो रेवा इमेज सर्च है अगर आप इसको क्रोम में जोड़ लेते हैं तो आपको गूगल रिवर्स इमेज सर्च के साथ और जितने सर्च इंजन हैं उनको एक ही जगह पर आपके पास। अब जैसे कि ये कैसे होता है, ये तस्वीर देखें, एक खबर है, इटालियन मैन हु हैज लॉस्ट हिज एंटायर फैमिली टू कोरोना वायरस फाइनली कमिट सुसाइड एट टॉप ऑफ होटल, रेस्ट इन पीस। आप इसमें देख रहे हैं कि एक आदमी जो है वो लिया कुछ इस तरीके से है और उसके बाद वो वहां से कूद रहा है। अब क्या ये सच है, इसके लिए जब आप रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल करते हैं, पहले रिवर्स इमेज सर्च करेंगे कैसे, आप
इस फोटो को स्निपिंग टूल से, और जितने भी विंडोज कंप्यूटर है उसमें स्निपिंग टूल इनबिल्ट आता है, जैसे आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उसी तरीके से आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसमें से कोई सेलेक्टेड चीज इमेज फॉर्म में चाहिए तो आप स्निपिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं और आपने वो तस्वीर काट ली और काट करके आपने उसे गूगल के डेटाबेस में अपलोड कर दिया। तो जब आपने रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल किया, जरूरी नहीं कि वो गूगल है, वो जेंडेक्स हो सकता है, वो टाइटल हो सकता है, वो बाइडू हो सकता है, तो इस तरीके से बहुत सारी तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं और उसमें लिखा रहता है विजुअली सिमिलर इमेजेस, यानी कि उस होटल या उस होटल से मिलती हुई बहुत सारी इमेजेस आपको दिखाई पड़ती हैं। और फिर आपको एक खबर दिखाई पड़ती है, मैन जंप्स टू हिज डेथ फ्रॉम द टॉप ऑफ होटल वैलेंसिया सेंटर, और ये जो तस्वीर है वो December 27, 2019 की है। और उसके बाद जब आप ये देखते हैं तो आप ये पता पड़ता है कि ये जो तस्वीर है ये 2019 की है, जब ये जो कोरोना वायरस पैंडेमिक इटली में हिट नहीं किया था उसके पहले की। तो इससे आपको ये पता पड़ जाता है कि तस्वीर तो सच्ची है जो जो स्क्रीन में दावा किया गया है, लेकिन वो गलत ढंग से उद्धृत की गई है, गलत रेफरेंस में उसका इस्तेमाल, इसलिए वो जो ट्वीट है वो फेक है। उसी तरीके से मामला, एक और जो सबसे मामला है ये फोटोग्राफ का मामला हो गया। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो उनका स्वागत है, फिर हम वीडियो पर चलते हैं। जी, जिनको भी कोई सवाल पूछने हो प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करें और सवाल पूछें। मुकुल साहब बाद में एक साथ है, मेरे सुन शायद पूछना चाहेंगे क्वेश्चन से, नजाकत साहब से भी होंगे आपसे भी। जी जी, जी जरूर जरूर। अब उसके बाद मामला आता है वीडियो का। वीडियो को के बारे में जब भी आप उसको वेरीफाई करते हैं तो कुछ चीजें होंगी, अगर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डीप फेक वीडियोस नहीं है, 90-95% वीडियो सही होते हैं पर उनको गलत कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। किसी घटना का वीडियो जो है कोई आदमी बना लेता और उसके बाद नीचे लिख देता कि इतनी में ऐसा ऐसा हुआ और कोरोना वायरस, तो वीडियो तो सही था लेकिन गलत ढंग से उसे उद्धृत कर दिया गया, गलत रेफरेंस में उसका इस्तेमाल कर दिया गया। तो अगर वीडियो के लिए एक है इनबिल्ट, जैसे कि गूगल रिवर्स इमेज सर्च का आप एक्सटेंशन क्रोम में जोड़ सकते हैं, अगर आप अपने गूगल पे या क्रोम पे लिखेंगे इनबिल्ट ईयू क्रोम डाउनलोड, या आप इनबिल्ट भी लिखेंगे तो भी जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगा फटाक से। तो फिर एक वीडियो न्यूज डिबंकर एक आपको लिंक मिल जाएगा और आप इसको अपने क्रोम में जोड़ लेंगे, यानी कि जब भी आप क्रोम खोलेंगे तो ऑटोमेटिक इनबिल्ट में अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो वो आसानी से हो जाएगा क्योंकि इमेजेस और वीडियो दोनों के लिए काम करता है। मेरा अपना अनुभव जहाँ तक रहा करने का या इसको समझने का कि 80-90% काम तो आपका रिवर्स इमेज सर्च ही कर देता है, वही बता देता है कि ये फोटो कितनी पुरानी है। और इवन अगर आपको कोई वीडियो मिला है तो उसका भी आपको स्क्रीन शॉट लेकर के आप उसका रिवर्स इमेज सर्च कर सकते हैं, पर रिवर्स इमेज सर्च आप नहीं करना चाह रहे हैं तो इनबिल्ट पूरे वीडियो को स्टिल इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि फ्रेम बाय फ्रेम हर एक फ्रेम वीडियो के छोटे से छोटे हिस्से को आप देख सकते हैं और उसे मैग्नीफाई कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से वीडियो को देखेंगे तो पहले जब आप वीडियो देखते हैं तो आप एक भोले दर्शक की तरीके से देखते हैं और आपके दिमाग में ऑलरेडी वो साइकी उसी थी जो इसके पास अत्याचार हो रहा है, ये मर गया, ये जी गया वगैरह वगैरह, तो बस आप दिमाग नहीं लगाते। लेकिन जब आप इनविट के थ्रू वीडियोज देखते हैं तो आप सेटल हो चुके होते हैं और उसके बाद आप आसानी से हर एक हिस्से को वीडियो के देखते हैं तो हर वीडियो अपने बहुत सारे निशान छोड़ते हैं। ये
ये इनविट के बारे में है, ये वेब बेस्ड मतलब वीडियो वेरिफिकेशन टूल है, और मेटा डाटा मतलब कि जो यूट्यूब और ट्विटर वीडियोस हैं इनके इस्तेमाल के लिए भी जो है, फेसबुक के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उनका लिंक डालेंगे तो उनके छोटे छोटे जो फ्रेम है वो आपको मिल जाएंगे, स्टिल इमेजेस जाएंगे और स्टिल फ्रेम्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे अच्छी खूबसूरती है इस सॉफ्टवेयर की, कि वो बहुत सारे जो वीडियो हैं उनको बहुत छोटे छोटे फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है, और फिर आप उनसे नॉन इंग्लिश सर्च इंजन येंडेक्स और बाइडू में भी जो है आप उनकी रिवर्स इमेज सर्च कर सकते हैं। इसका जो जो इसमें जो सबसे खास बात यह है कि वो मैग्नीफाई कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी वीडियो में आपको कोई गाड़ी का नंबर दिख रहा है पर वीडियो में वो इतनी तेजी से निकल जा रहा है कि आप गाड़ी का नंबर जूम करके नहीं देख सकते, पर जब आप इनविट में उस वीडियो को देखेंगे तो आप गाड़ी की नंबर प्लेट देख लेंगे, नंबर प्लेट देख करके आप आसानी से गूगल करके बता सकते हैं कि ये जो नंबर प्लेट है वो किस देश की है, किस प्रदेश की है, और इस तरीके से आप आसानी से उस जगह के बारे में पहुंच सकते हैं जहां वो वीडियो शूट हुआ। उसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि जो वीडियो शूट हुआ है और जहां ये दावा किया जा रहा है, क्या दोनों चीजें सेम है या अलग अलग। आप जैसे ये वीडियो देखिए, इस वीडियो के साथ टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज जॉन स्टिल वांट्स टू हिट द स्पीड्स, ये नीचे शायद उर्दू, अरबी या फारसी, मुझे इन तीनों में से कोई भी भाषा नहीं आती है, पर स्क्रिप्ट तीनों की एक ही जैसी लगती है। ये दावा किया जा रहा है कि ईरान में ऐसा हुआ कि लोग सड़कों पर घूम रहे थे और अब ये हालत देखिए इस तरीके से डेड बॉडीज पड़ी हुई। अब अगर आप इसको इनविड में इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सारे की फ्रेम्स मिलता है, यानी कि आप तस्वीर में देख बहुत सारे स्टिल इमेजेस में कन्वर्ट। अब आप उसमें से किसी भी स्टिल इमेज को अगर आप रिवर्स इमेज सर्च करें, आपने येंडेक्स इमेज सर्च किया तो आप देखते हैं कि वीडियो के स्टिल इमेजेस जैसे बहुत सारी जो तस्वीरें हैं वो आपको दिख रही हैं। आपकी मेरे ख्याल से आप सबकी स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं, जैसा आपको वीडियो में दावा किया गया था उसी तरीके की सारी जो है वो तस्वीरें हैं। जब आप इन तस्वीरों की छानबीन करते हैं तो आपको पता पड़ता है कि ये 2019 में मक्का में हज के दौरान लोगों की मौत हुई, ये वीडियो उस वक्त का है और दावा ये किया जा रहा है कि ये वीडियो इस वक्त का है या कोरोना जो वायरस फैला हुआ है, तो ये ओरिजिनल वीडियो उन मौतों का है जो हज 2019 के दौरान हुई थी, ना कि जो कोरोना वायरस के कारण जैसा हुआ है तो ईरान का दावा किया जाता है, पर ये वीडियो सऊदी अरेबिया का। तो सिस्टम तो जो वीडियो सर्कुलेटेड हुआ फ्यूनेरियल कोरोना वायरस विक्टिम का वो ईरान फेक। अगर आप फोटोग्राफ देख रहे हैं तो आप किस तरीके से चेक करें कि वो सही है या गलत। अब उसमें जो पहली चीज है वो है कमेंट्स। कई बार फेसबुक पर लोग वीडियो शेयर करते किसी ग्रुप से उठाया शेयर कर दिया, तो आप उस एक्चुअल ग्रुप पर जाइए और उस ग्रुप पर जाकर आप पढ़िए कि किस रेफरेंस में कमेंट किया गया। अगर आपको याद हो कि वो एक लड़का था जो रजिया सुल्तान के नाम से, रजिया के नाम से था और बाद में उसने अपना नाम पवन कर लिया, तो उसमें नीचे किसी ने लिख दिया कि भैया पवन हो गए, और इस तरीके से ये मेरे ख्याल से एक डेढ़ साल पहले की बात है, उस पर बड़ा कि वो फेक अकाउंट था और वो आप कमेंट्स पर ध्यान दें। इसके अलावा आप बिल्डिंग और लैंडमार्क्स कि जो भी आप चीजें देख रहे हैं टिकटॉक पे उनको पकड़ने के लिए वो जो
हैं उनमें जिस बिल्डिंग और लैंडमार्क्स का दावा किया जा रहा है क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है। कहा जा रहा है कि ये जो वीडियो है वो दिल्ली के कनॉट प्लेस का है, और जब आप कनॉट प्लेस को गूगल अर्थ पे देखते हैं तो जिस तरीके की इमारतें उस वीडियो में दिख रही हैं उस तरीके की इमारतें तो कनॉट प्लेस पे हैं ही नहीं। तो आप ये समझ जाएंगे कि ये वीडियो तो फेक है, ये कनॉट प्लेस का तो नहीं है कहीं का व्यू। उसके बाद नंबर प्लेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपको कोई फोटो या वीडियो मिलती है आप उस पर देखें कि व्हीकल, अगर कोई गाड़ियां वाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं तो उनका जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है उन पर क्या लिखा हो, और इससे आपको उस वीडियो या ज्योग्राफी का लोकेशन को एग्जैक्ट पता पड़ता है। उसी तरीके और मामला है वो ये है कि उन्होंने किस तरह के और वो किस भाषा में बोले, तो उससे आपको पता जाएगा कि ये वीडियो जो दावा किया जा रहा है ये उसी तरीके का है, या जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे वीडियोस भारत में चल रहे हैं वो इसीलिए चल जाते हैं क्योंकि खास करके लखनऊ और दिल्ली जैसी जगहों पे उर्दू निष्ठ भाषा में बात की जा रही है, तो पक्की बात है कि अगर आप हमारे पुराने लखनऊ के किसी आदमी से बात करें तो उनसे बात करके उस वीडियो को पाकिस्तान का वीडियो बना दें तो लोग मान लेंगे कि हाँ तो आर्किटेक्चर भी वैसे ही लगेगा। लेकिन जब आप नंबर प्लेट पर जाएंगे, जब आप कपड़ों पर जाएंगे कपड़ों के साथ नंबर प्लेट को रिलेट करेंगे, उसके बाद फोन नंबर पर करेंगे, फिर भाषा देखेंगे कि पाकिस्तान में तो हिंदी होती नहीं है तो यहाँ तो हिंदी में भी साइन बोर्ड दिख रहा है, तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें जिनसे कि आप चीजों को इंटरलिंक करते हुए उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। मैंने बात की थी फ्लैग्स, लोगो, एम्बलम्स, बैजेस, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब पुलिस वाला है वो यूपी का है तो यूपीपी लिखा होगा, एमपी का है तो एमपीपी लिखा होगा, किसी और देश की पुलिस है तो उसकी जो यूनिफॉर्म है वो किस तरीके की है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो इंग्लैंड का है, वीडियो अमेरिका का है, उसी तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात है वेदर, एक बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है कि कहा जा रहा है कि साहब जो है वो लखनऊ में बर्फबारी हुई, तो जैसे मैंने देखा कि लखनऊ में बर्फबारी, उन्हें नहीं पता है कि ओले बर्फबारी में क्या डिफरेंस है, तो जब हर आदमी पत्रकार हो जाता है तो इसकी भी एक समस्या ये भी। घूम रहे हैं यहाँ कुछ लोग खुश हो रहे हैं, लखनऊ में तो गिरने लग जाए, तो वेदर पर भी आपको वीडियो ध्यान देना होगा। और साइनेज, टेक्स्ट ऑन साइन पोस्ट, बैनर्स, बिलबोर्ड्स, इस तरीके फोन नंबर ऑफ बिजनेस कैन, या आप फोन कर सकते हैं, जो भावेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही और सैयद नजाका जी ने जब दिल्ली में गूगल ऑफिस में लोगों की ट्रेनिंग हो रही थी, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे उस 5 दिन के वर्कशॉप में समझ आई, बैक टू द ओल्ड Shopify चेक, अगर आपको किसी वीडियो में कोई फोन नंबर मिल रहा है दिख रहा है, हुआ था ये का मामला है, और इस तरीके से आपको बहुत सारी लीड मिल जाएंगी और आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो वीडियो है वो कैसा है। अब एक जो और मजे के लिए और उनको उसे ट्रैफिक मिलता है, अब अगर आप breakingnews.com की वेबसाइट के किसी खबर का स्क्रीनशॉट लोगों को काटेंगे और कहेंगे कि देखो जरा फलानी साइट कह रही है, तो इसका मतलब है कि वो प्रेडिक्ट फैलाती है मजे के लिए। तो इसलिए जरूरी है कि आप अभी जैसे अगर आपको रन टाटा का एक बयान वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि 2020 साल जो है वो जीने का साल है, अर्थव्यवस्था के बारे में बाद में सोचें, और एक अखबार की कटिंग बहुत सारी जगहों पर घूमती रही। उसके बाद मैंने भी ये जानने की कोशिश करी क्योंकि रतन टाटा का जो ट्विटर अकाउंट है, जो इंस्टा अकाउंट है, वहां पर इस तरीके का कुछ मामला नहीं था। बाद में रतन टाटा ने खुद ये कहा कि
ये इस तरीके की बातें उन्होंने कभी कही नहीं। और उस खबर की जो सबसे खास बात ये थी, उसमें रतन टाटा को किया गया था, पर उन्होंने कहा बोले किसी फंक्शन में, तो हम लोगों का अपनी आंखें और ज्यादा खोलनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये इस वक्त बाढ़ है फेक न्यूज, और उसमें आप हर चीज को सच नहीं मान सकते हैं। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना होगा। ये कुछ आपकी स्क्रीन पर क्रॉस चेकिंग वेबसाइट के लिंक दे रखे हैं कि जैसे कि दावा किया जा रहा है, मान लीजिए कि WHO ने ये कह दिया कि साहब कि वो शराब पीने से जो है वो कोरोना ठीक हो जाए, तो आप उस ट्वीट पर मत जाइए, आप उस इमेज पर मत जाइए, आप उस वीडियो पर मत जाइए, आप WHO की साइट पर सीधे चले जाइए। ये WHO की साइट आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये उसकी साइट है, CDC की, भारत सरकार की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अगर सरकार की कोई गाइडलाइन आई है उसके बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल ICMR को बहुत कोट किया जा रहा है, वैक्सीन के मामले में बहुत सारे चैनल भी तरह तरह की भ्रामक खबरों पर खेल जा रहे हैं कि वैक्सीन बन गई और वैक्सीन बन जाना इतना आसान नहीं है, और बन जाने के बाद इतनी जल्दी उसका आम लोगों तक पहुँच प्रोसेस होता है। तो अब ICMR के नाम पर आप कुछ भी चला देंगे, और हम लोग चूंकि इस आपाधापी की स्थिति में है, कहीं एक उम्मीद की किरण तलाश रहे हैं, तो आप ICMR की वेबसाइट पर चले जाइए, और स्टेट हेल्थ मिनिस्टर मिनिस्ट्रीज और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी वेबसाइट को सर्च कीजिए, और वहाँ अगर कुछ इंफॉर्मेशन तब इसके बाद जो है वो है कि व्हाट्सएप पोस्ट जो आप तो आप अपने आप से कुछ सवाल पूछो, जितनी देर हम लोग बातचीत कर रहे हैं आपके पास कुछ ना कुछ इस तरीके का कोई एक फॉरवर्डेड मैसेज किसी ना किसी ग्रुप में आ गया होगा, तो इज इट फॉरवर्ड कि हम इसे फॉरवर्ड करें या ये फॉरवर्डेड मैसेज हमें मिला है, दोनों बातों को आपको दिमाग में रखना है कि अगर आपको किसी ने फॉरवर्ड किया है तो उसको भी किसी ने फॉरवर्ड किया होगा, और क्यों आपको फॉरवर्ड किया जा रहा है, क्योंकि अब व्हाट्सएप बताने लग गया है ये फॉरवर्डेड मैसेजेस। और फिर दूसरी चीज, क्या ये विश्वसनीय है, क्या हम इस बात को मान लें जो ये कहा जा रहा है, तो आप किसी दूसरे को ये वो मैसेज वो वीडियो फॉरवर्ड करने से पहले खुद से ये सवाल कीजिए, क्या ये मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या ये विश्वसनीय है, इज द इन्फो साइटिंग क्रेडिबल सोर्सेज, मतलब अगर उस इंफॉर्मेशन में कहीं कोई लिंक है, और लिंक भी ऐसा जो क्रेडिबल हो, जिसकी कोई विश्वसनीयता हो, मान लीजिए कि अगर वो CDC की साइट पर आ रहा है या ANI से कुछ ट्वीट आ रहा है, सिर्फ ट्वीट का स्क्रीनशॉट है और ANI का लिंक नहीं है तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, आपको ANI पर जाकर के खुद क्रॉस चेक करना होगा। इस द इमेज और वीडियो, जो भी वीडियो आपको मिल रहा है आप खुद और जानिए 100 में 90 बार तो खुद पता कर लेंगे, अगर अगर आप खुद दिमाग लगाएं तो आप इस आपाधापी से निकल जाएं कि नहीं मुझे तुरंत सामने वाले को चिपका देना है, आगे बढ़ा देना है, तो काम आसान हो जाएगा। एंड इज द पोस्ट हार्ड टू बिलीव एंड यू स्टिल वांट टू कोरोना ठीक हो सकता है या कोरोना, क्या आप इस बात पे भरोसा करेंगे? अगर इन प्रश्नों के उत्तर आपको ठीक ठीक मिलना है तब तो आप उसको जो दूसरी चीज ये है कि आपकी जो जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बनने का लोगों को होता है या लोग जबरदस्ती बना देते हैं, जहां इस तरीके की चीजें मिले आप वहां सवाल जरूर उठाएं। आप अगर दो बार बोल देंगे तो जो इस तरीके तो खाली बैठे हुए हैं, जो इधर से काम करते हैं, इधर का माल उधर करना, उनको थोड़ा झटका लगेगा, वो सोच समझ करके, क्यों? क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी चौपट होने उस ग्रुप में, यार ये तो फेक न्यूज फैला, तो आप सवाल वहां जरूर उठा दीजिए, क्या ये सच है, नहीं मुझे ये झूठ लग रहा है। आपका ये लिखना कि आपको ये झूठ लग रहा है इस फेक न्यूज के फैलाव थोड़ा सा कम करेगा, खत्म तो नहीं करेगा, जैसे आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है कि NASA सैटेलाइट वीडियो टेलीकास्ट है शोन दैट द कोरोना वायरस इज रिट्रीटिंग इन इंडियन थैंक्स टू द पीपल एफर्ट एट 5 PM ऑन तो कॉस्मिक लेवल साउंड वेव्स, और ये वो जैसे अभी जब हम लोगों ने ताली वाली बजाई थी तो ये कहा था कि कोरोना वायरस जो है वो चला जाएगा, तो ये 22 मार्च 5 बजे का मैसेज है जब लोगों ने तालियां बजाई थी,
और डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर के लिए, पर और इस जो मैसेज है इसमें कहीं कोई ऐसा लिंक नहीं है, कहीं कोई ऐसे रेफरेंस का कोट नहीं है। आप भी खाली बैठे हो, डॉक्टर डीपी सिंह है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कम्युनिटी रेडियो की जो चेन है उसमें, तो ऐसा कर देते हैं ये लिख देते हैं कि अगर डीपी सिंह करके हेलो बोल देंगे तो वैक्सीन हो गए, पर क्या ये बात सच हो सकती है? नहीं, ये बात नहीं सच हो सकती है, लेकिन भारत में ऐसा भी होता है, तो इस बात का आपको रखना है। ये जो है इंफॉर्मेशन हैजर्ड्स हैं कि आपको अगर आप चीजों को पाते हैं, इफ यू फाइंड योरसेल्फ यूजिंग फ्रेजेस सच एज अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स आर सेइंग इट हैज बीन रिपोर्टेड क्लेम दैट, तो इसका ये मतलब है कि ये जो खबर है रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं किया गया है। रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट, कहाँ की रिपोर्ट, किस रिपोर्ट में क्लेम किया गया है, तो ऐसे मैसेजेस को फॉरवर्ड कीजिए और जो भेज रहा है उसको भी चेता दीजिए। जैसे ये कह जाए विद यूनिसेफ रिपोर्टेड बाय स्टूडेंट इन वुहान आर टेम्पटिंग, तो इस तरीके की चीजों को आगे मत बढ़ाइए कि वुहान में पता पड़ा कि आपने चाइनीज जो लोग हैं वो भारत में भी हमारे नॉर्थ ईस्ट में उसी खत काटी और उसी तरीके के लोग होते हैं, वहां से किसी ने और आपने बता दिया कि साहब ये चाइना का, तो इस तरीके के मैसेजेस को मत फॉरवर्ड कीजिए और उनको रोकिए। आप तो क्या करना, प्राइमरी सोर्सेज की तरफ जाए और अगर वहां से कुछ आ रहा है तो उसको आगे बढ़ाए, तो मतलब ये कि जहाँ से वो जनरेट हो रहा है वो ट्विटर स्क्रीनशॉट आप अगर कर रहे हैं, आपने देखा है तब आप मानिए और लोगों को बताइए, और अगर किसी ने आपको भेजा है तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या, अगर लिंक आ रहा है तब बहुत अच्छी। तो वेबसाइट एंड सोशल मीडिया अकाउंट ऑफ द WHO CDC एंड अदर रेगुलरली अपडेटिंग विद द बेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल, यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन र्यूमर्स। की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में आप क्यों अफवाहों के चक्कर, ये बेसिक सी बात है जो आपको भी समझनी है और आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं और घर वाले जो ग्रुप हैं उसमें भी समझानी है, क्योंकि सबसे ज्यादा खुराफात वहीं हो रही है इन लोगों तो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है तो आप अपने आप से पूछिए कि व्हाई डू आई वांट टू शेयर दिस, मैं इसे क्यों आगे बढ़ूँ, और आपको फायदा होगा मिलेगी, और कहीं ये लोगों को मिसलीड तो नहीं कर रहा है। और आपका जो रिस्पॉन्स है जो लोग शेयर कर रहे हैं तो आप उनके मोटिव्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आई समथिंग प्रॉमिसेस ऑफ इंस्टेंट क्योर और यू कैन गेट दीज आर श्योर साइन दैट समवन इज ट्राइंग टू मेक सम मनी, फिर आप ये ले लीजिए कोरोना से ठीक हो जाएंगे या इस रोग से ठीक हो जाएंगे, इस इलाज से ठीक हो जाएंगे। जैसे कैंसर के मामले में भी ऐसा, क्योंकि कैंसर तेजी से स्प्रेड नहीं था, लेकिन मुझे याद है मैंने पिछले 2 साल चाचा को कैंसर से खोया है, और जब उनके रोग के सिलसिले में डेली कोई ना कोई मुझे कुछ चिपका जाता था कि यार इनसे मिल लो, इनसे बात कर लो, मुझे पता था। लेकिन जब आप निराश होते हैं तो हर एक चीज पे ट्राई करने की कोशिश करते हैं और सारे के सारे पैसा बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं। ड्रामेटिक अनरिपोर्टेड स्टोरीज आर ऑफन अ प्ले फॉर सोशल मीडिया एंगेजमेंट दैट इज वैल्यूएबल फॉर समवन विद अ मोनेटाइज्ड ऑनलाइन प्रेजेंस। सिंपल सी बात है, जो आप ये देखिए कि फिर 1 लाख लोग किसी 10,000 के ग्रुप में मेंबर हैं और वहाँ इस तरीके की चीजें अगर चल रही हैं तो वो अपनी प्रेजेंस चाहते हैं, मॉडल है जिसमें उन्हें फायदा हो, और आप जैसे लोग बेवकूफ़ बने, आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उससे क्या होगा कि आप एक्टिव रहेंगे और उस ग्रुप वो ग्रुप वाइब्रेंट रहेगा, चलता रहेगा। Does it make you fear or hate someone? आप किसी से चिढ़े बैठे हैं, take advantage of a heightened sense of crisis to drum up minorities or other groups to achieve political or ideological ends. अभी आप देखिए वो जमात वाला मामला हो या वहाँ जो निहंगों ने किया पंजाब, ये इस तरीके की चीजें लोग करते हैं, पर पूरी कम्युनिटी को उस तरीके से टारगेट करना, ट्रीट करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं। पूरे लोग हर जगह होते हैं तो, और इससे फिर समाज की हारमोनी खराब होती है और वो और तरीके की समस्याएं।
Do you find it funny or shocking? Just unfortunately, there are people out there who spread potentially harmful disinformation for fun or mischief. Don't feed the trolls. Trolls के बारे में आप जानते ही होंगे कि कुछ लोगों का काम लोगों को परेशान करना और मजाक उड़ाना. तो इस तरीके की जो चीजें हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उनका हिस्सा मत बने. Have you come across any misinformation about COVID-19 testing? The official जो position है. उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ रही है. वो एक अलग बात है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, पर उसकी कीमत पीढ़ियां चुकाएंगी. और ये एक सिलसिला है जो रुकना चाहिए. भारत जैसे देश में जहाँ डिजिटल पेनिट्रेशन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन लोगों की समझ उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है. ऐसे में वो लोग जो थोड़े शातिर हैं, जो थोड़े स्मार्ट हैं, वो उसका फायदा उठा रहे हैं और वो अपने जो स्कोर हैं वो सेटल कर रहे हैं, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं और बहुत तरीके के इश्यूज सोसाइटी में ला रहे हैं. और हाँ, एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी आप इस तरीके के वीडियोज और तस्वीरें देखेंगे, इमोशंस के मामले इसको सोच समझने का मौका नहीं मिलता. वो चाहे अत्याचार हो, परेशानी हो, पीड़ा हो, देखिए ये चीजें वो चीजें. जैसे दो अभी भी कभी कभी वो तस्वीर देखने को मिल जाती है, एक छोटी सी बच्ची की हॉस्पिटल में ले तस्वीर है कि उसका दिल खराब है हार्ट का और उसके लिए पैसा चाहिए, 1 रुपए 2 रुपए इस तरीके से आप देंगे. तो वो सब फेक है और उसका कई बार फैक्ट चेक हो चुका है, लेकिन लोग फिर भी झांसे में आ जाते हैं. या दीपावली के टाइम में नासा ने जो जारी की इमेज भारत की हिंदुस्तान की, तो आप अपने जो आपके जो एक्सट्रीम इमोशन है उनको फैलाने के लिए, भड़काने के लिए. और फेक न्यूज वांट्स यू टू बिलीव थिंग्स दैट यू फिट्स विद योर तरीके की आइडियोलॉजी के होंगे ना, आप उसी तरीके की चीजों को सच मान लेंगे. और हम रोजी रोटी के संघर्ष में इतने खोए रहते हैं कि हम चीजों को टोटैलिटी में देखने की आम कम होती है. तो जो 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 आपकी आइडियोलॉजी है उस हिसाब से जो चीजें उसमें फिट हो जाती हैं, आप उस तो रोक देते हैं. तो ये मामला है कि आपकी क्वालिटी में एक आदत डाल और आपकी जो आइडियोलॉजी आपने का नजरिया है उससे अलग कोई चीज अगर आपको मिल रही है, तो भी आप इस बात का ख्याल रखें उसको जो है आप इसे सोचने की कोशिश करें कि हाँ ये चीज सही है तो उसको फॉलो करें, और जो चीज गलत है उसमें जो पॉलिटिकल वायरल होने वाला मामला है कि वो किसी तरीके से खबर में आना चाहता है, किसी भी तरीके से वो उसका फायदा उठाना चाहता है. वो इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ कुछ भी हो सकता है. वो ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथों में ये न्यूज जाए. इसका सिर्फ इतना मोटो है, तो आप उसके टूल मत बनिए और उसमें आप बहुत बड़ा जाते कि आप ये कहें कि नहीं साहब ये क्या बकवास बेचते रहते हो, इसका रेफरेंस लाओ. जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा. और what is the fake news you get is just text. जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो कुछ लिखे हुए शब्द हैं. तो ये वो कुछ information है, खास करके कोरोना case के सिलसिले में. अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो WhatsApp number है, आप direct उनसे message कर सकते हैं, वो respond करेंगे. आप WHO की site पर जा सकते हैं जो आपकी screen पर दिख रही है, और government of India ने भी अपना एक WhatsApp number जारी किया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. ये कुछ फैक्ट चेकर्स हैं जो भारत में काम कर रहे हैं. तो अगर आप खुद से फैक्ट चेक नहीं कर पा रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप एक बार इन वेबसाइट्स का चक्कर लगा लो. हेल्थ एनालिटिक्स एशिया,
एएफपी फैक्ट चेक, बूम लाइव और विश्वसनीय, ये जो सारी वेबसाइट्स हैं यहाँ पर डेली बहुत सारा फैक्ट चेक हो रहा है इस तरीके के वीडियोज का और फोटोग्राफ्स का। तो अगर आप रिवर्स इमेज सर्च नहीं करना चाह रहे हैं, आप इनविड नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो एक बार इन वेबसाइट्स का चक्कर लगा लीजिए कि जब आपको इस तरीके की कोई वीडियो या इमेज मिले, हो सकता है कि तब तक इन लोगों ने उसका फैक्ट चेक कर दिया और आपको सच्चाई सामने पता पड़ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे ख्याल से सवालों का समय हो गया। थैंक यू डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव साहब, आपने बहुत ही गहरी और जो जानकारी हमारे लिए पहली बार हमें मिली, आपने निश्चित रूप से बहुत ही फ्रूटफुल और अच्छी जानकारी दी। मैं हमारे साथ इसमें जुड़े हैं डॉक्टर विनोद सनवाल जी। सनवाल जी, आपका कोई प्रश्न इस संबंध में हो? गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी से हैं आप, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन, डॉक्टर विनोद सनवाल जी। विद्युत जनों को मेरे नमस्कार। वैसे तो प्रोफेसर साहब ने इतने अच्छे से और इतना एलोबरेटेड तरीके से बातें बता दी हैं कि बहुत ज़्यादा, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, थोड़ा सा तेजी से। जी जी, सभी विद्युत जनों को मेरे नमस्कार। वैसे तो प्रोफेसर साहब ने इतना डिटेल और इतनी विस्तृत जानकारी दे दी है कि उसके बाद कोई प्रश्नों का कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक दो छोटी छोटी बात जरूर इसमें शेयर करना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने बताया कि हम किस तरीके से किन किन साइट का इस्तेमाल करके और किस तरीके से फेक न्यूज़ को पता कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी और बड़ी एक सटीक जानकारी आपने दी। सर आपका ये स्पीकर थोड़ा सा मुँह के नजदीक करिएगा, आवाज़ सही नहीं आ रही है। अच्छा जी, आवाज़ सही नहीं आ रही। जी हाँ बोलिए। अच्छा जी, सभी विद्युत जनों को मेरा नमस्कार। और वैसे तो प्रोफेसर साहब ने इतना विस्तृत जानकारी दी है कि इसमें कोई सवालों की गुंजाइश नहीं बचती है, और इतने अच्छे से आपने इतने एलोबरेटेड फॉर्म में और इतने अच्छे तरीके से आपने सारी बातें रखी और इतने अच्छे से बताया। मैं तो सिर्फ इतना एक छोटी सी बात सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जैसा आपने खुद भी इस बात का जिक्र किया कि ज़्यादातर जो हमारे यूजर्स हैं वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जितने हमारे डिफरेंट साइट्स की हमने बात की कि उन साइट्स से हम चेक कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चेक कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इनोसेंट लोग भी हैं, उनके लिए कहीं कोई ऐसा कोई साइट या कोई ऐसा कोई माध्यम या ऐसा कोई तरीका हो जिससे वो भी चेक कर पाए? देखिए, इंटरनेट जो है वो पढ़े लिखे लोगों का ही माध्यम है, ज्यादातर व्हाट्सएप को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको मोटे तौर पर भाषा पढ़नी और समझनी आनी चाहिए, तभी आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं तो आप सिर्फ तस्वीरें देख पाएंगे। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अनपढ़ लोग हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, अपना अनुभव ये रहा है वो और ज्यादा रिजिड हो जाते हैं और ये मानने को तैयार नहीं होते कि वो फेक न्यूज फैला रहे हैं। इनफैक्ट मतलब मैं प्रोफेसर हूँ और हम लोग यूनिवर्सिटी का एक ग्रुप है, मतलब जिसमें 450 प्रोफेसर हैं और कम से कम मुझे दिन में 3 से 4 बार उनके किसी वीडियो इमेजेस पे कहना पड़ता है कि ये फेक है, और उसके बाद मैं उनको लिंक देता हूँ, ये देख लीजिए, और ये मामला है, ये वो लोग हैं जो भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षा दे रहे हैं, और इसमें उनका भी कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें वो चीज मिली और उन्हें उस तरीके से देखने का भी नजरिया नहीं पता है। उसमें जो गूगल का ये जो न्यूज इनिशिएटिव है ये बड़े काम का है, ये बड़ा ये जरूरी है। आज नजाकत साहब ने बड़ा हम्बली इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, फटाफट उनकी और भी व्यस्तताएं थी, लेकिन फिर भी कि वो चाहते थे कि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। आपके बहाने भारत के डिफरेंट जो कम्युनिटी रेडियोज हैं वहां पर अगर आप ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको अगर आप ब्रॉडकास्ट करेंगे तो गांव में लोगों के बीच में ये पता तो पड़ेगा कि किस तरीके से हम शिकार बन रहे हैं। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि जब आपके हाथ में मोबाइल है तो गूगल रिवर्स इमेज सर्च आप एक बार करके देखिए और आपको फट से पता पड़ जाएगा, या जैसे आप बहुत सारी खबरों की वेबसाइट के लिए आप जाते हैं तो एक बार आप ऑल्ट न्यूज पर चले जाएं या विश्वास न्यूज पर चले जाएं तो इससे आपको पता पड़ जाएगा। मतलब मैं अभी आपको बताऊं, मैं लखनऊ का उदाहरण दूं, आज से 15 दिन पहले नवभारत टाइम्स लखनऊ संस्करण ने मुझे 3 वीडियो भेजे और ये कहा कि इसका फैक्ट चेक करके बताइए, क्योंकि इससे जो है ये इतनी तेजी से लखनऊ में सर्कुलेट हो रहा है, तो इसमें खास कमेटी को टारगेट किया गया है।
और जब हमने उन वीडियोस का फैक्ट चेक किया तो वो सारे के सारे 1 साल 1.5 साल पुराने थे, और उनको गलत तरीके से मिसलीड करते हुए या गलत रेफरेंस में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। और वो उन्होंने उसकी खबर छापी तो उसका एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। तो मामला ये है कि पहले जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, जब वो समझदार हो जाएंगे तो वो लोग जो अभी कम जान रहे हैं उन तक ये गंदगी पहुंचेगी। ये गंदगी फैला अभी हम और आप जैसे लोग रहे हैं जो ज्यादा जानते हैं। और किसी का कोई सवाल? जी जी बिल्कुल, आपने ठीक बताया श्रीवास्तव साहब। चंदन सारण जी शायद कुछ पूछने जा रहे हैं। डॉक्टर चंदन सारण जी जयपुर से। जी चंदन जी, धन्यवाद। धन्यवाद सिंह साहब। और श्रीवास्तव साहब से मेरा सवाल था कि ये शायद अवेयरनेस कैंप कुछ चलाया जाए या कैंपेन जो है अवेयरनेस के इसके रिगार्डिंग चलाया जाए, जिससे फेक न्यूज और ये जो सोर्सेज हैं इनके बारे में मास लेवल पे लोगों को जानकारियां हो, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है सर? नहीं, इसके लिए किया जा रहा है सरकार। हम एक ऐसे देश पे रहते हैं जहाँ अभी रोटी कपड़ा और मकान का संघर्ष चल रहा है, तो बड़ी दूर की बात है सरकार। इनिशियल लेवल पर अगर आप ये देखेंगे, डेटा लीड्स जैसी कंपनी, सैयद नजाकत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो गूगल के सहयोग से, ये एक बड़ा रिमार्केबल काम कर रहे हैं। और इससे बड़ा फर्क आया है कि अब लोगों में फेक न्यूज के बारे में जागरूकता आनी शुरू हुई है। ये उसी जागरूकता का ही परिणाम है कि आज हम लोगों ने एक वर्कशॉप करी। अभी ये सेशन खत्म होगा, आप घर जाएंगे, आप अपने 4 दोस्तों के साथ बात करेंगे। यहाँ अगर 20 लोग हैं और उनमें से 5 लोगों ने भी रिवर्स एमएस सर्च एक बार मोबाइल पे कुछ इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बात आगे चलेगी। इम्पोर्टेंट बात यह है, क्यों? क्योंकि अभी सरकार आपकी मदद करने नहीं आने वाली, हमें अपनी मदद खुद करनी होगी। अगर आपको लगता है कि फेक न्यूज आपकी समस्या नहीं है तो हम सब बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम कभी भी इसका शिकार हो सकते हैं क्योंकि इंटरनेट पर कुछ भी सुरक्षित नहीं। हमें इस बात को भी अपने जहन में हमेशा रखना पड़ेगा कि इंटरनेट पर आज पूरा भारत पागल हुआ जा रहा है। फेसबुक पर हम चेक इन्स डालते हैं, हर एक छोटी बड़ी एक्टिविटी डालते हैं बगैर इस बात की परवाह किए हुए कि उससे आपकी प्राइवेसी को खतरा हो। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं अभी जिन पर बात होनी है और भारत में भी इन पे कोई सोच नहीं रहा है, पर जो फेक न्यूज है वो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो फेक न्यूज में जो आप बात कर रहे हैं वो इसी तरीके के इनिशिएटिव्स हैं। हम लोग भारत के सारे विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं, वहाँ के बच्चों से जर्नलिज्म बडिंग जर्नलिस्ट हैं उनसे बात कर रहे हैं, न्यूज रूम्स में इस तरीके की वर्कशॉप हो रही है, और अब तो कुछ ऐसी इंटीग्रेटेड वेबसाइट्स आ गई जिनका काम ही यही है कि जो फैक्ट चेक कर रही हैं। तो चीज़ें हो रही हैं लेकिन थोड़ी धीमी गति से हो रही हैं क्योंकि सबकी अपनी अपनी सीमा है। पर अगर सर अभी PIB ने जैसे अपना फैक्ट न्यूज चेकर का एक हैंडल डाल दिया है कि PIB खुद बता रहा है कि साहब ये हमने ऐसा नहीं कहा, ये फेक है, तो चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बात है कि उनकी गति जो है वो धीमी है, और उस गति को तेज हम और आप जैसे लोग कर सकते हैं कि आज के बाद आप जो है इस टीम को आगे बढ़ाएं, आप जो है उसके झंडा बरदार बने और इस झंडे को लेकर के आगे चले कि हम फेक न्यूज फॉरवर्ड नहीं करेंगे। जो फॉरवर्ड करेगा उसको बताएंगे प्यार से कि भैया फेक न्यूज क्यों फॉरवर्ड कर रहे हो, मत करो। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। गिरीश जी सब कुछ कहना चाह रहे हैं, कुमार गिरीश जी। कुमार गिरीश जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैंने आपके माइक को अनम्यूट करा। कुमार गिरीश जी, मैं सैयद नजाकत साहब के, गिरीश जी सब कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? मैं सैयद नजाकत साहब की तरफ आना चाह रहा था कि जो आपने ट्रेनिंग के लिए बात करी, क्या उसमें कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस के लोगों को भी आप शामिल करेंगे सैयद नजाकत साहब? हाँ जी जी, मुकुल जी का बड़ा अच्छा लग रहा था बुनने में, इसलिए मैं बड़ा आराम से सुन रहा था। धन्यवाद हमारे कि मेरे गुरु ने मुझे सर्टिफाई कर दिया कि नहीं, हमारा जो ट्रेनिंग है ये फैक्शाला का नाम है, इसका फैक्शाला इंडिया ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है। तो इसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं दोबारा आपको ये लिंक दे देता हूँ अगर किसी का मिस हो गया होगा। तो ये ट्रेनिंग में हमारा जो फोकस है एक्चुअली वो जो गांव की लेवल की ट्रेनिंग है। अभी जो हम मुकुल जी से हमने जो ट्रेनिंग आपका इस स्लाइड कहीं पे शेयर हो रही है आपसे, एक सेकेंड शेयर होना शुरू हो गया, स्लाइड बोलिए।
स्क्रीन शेयर हो गया है आपका? एक सेकंड, सही, थोड़ा ये सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, मैं दोबारा एक ट्राई करता हूँ। तो मुकुल जी जैसे बता रहे थे, एक सेकंड, चलिए कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम, मैं आपको फिर भी मेल कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। तो हमारी जो ट्रेनिंग एसेंशियली है, फोकस ट्रेनिंग का क्या है कि ज़्यादा तो जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं वो शहरों में हो रही हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, इस जगह के लोग, बड़े बड़े वहाँ जो लोग हैं थोड़े तेज़ भी हैं, इंटरनेट भी है उनके पास। तो इस हमने जो 2-3 साल में ये देखा कि जो गांव की हमारे जो दोस्त हैं, जो गांव हैं, डिस्ट्रिक्ट में बेस्ड कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो टीचर्स हैं, जो सिविल सोसाइटी के लीडर्स हैं, उन तक हम नहीं पहुँच पा रहे, बिकॉज हमारा देश काफ़ी बड़ा देश है। यहाँ आप, जैसे मैं आपको बता भी रहा था, 900 न्यूज रूम हमने ट्रेन किए हैं लास्ट 2 साल, तो यूनिवर्सिटियां हमारे साथ जुड़ी हैं इस प्रोग्राम में, और उसी को आगे लेके हमने नया प्रोग्राम जो मैं आपको बता रहा था इंटरन्यू स्टार्ट किया है, डेटा लीड्स उनके साथ पार्टनरशिप में है, गूगल सपोर्ट कर रहा है। तो हमारा जो फोकस है कि कम से कम 25,000 लोग हम ट्रेन करें एक साल में। तो वो कैसे हम करेंगे, हम 250 लोगों को सिलेक्ट करेंगे अक्रॉस इंडिया, उनको हम 6 या 7 दिन की ट्रेनिंग देंगे अलग अलग शहरों में, उनके जो एयर ट्रैवल का खर्चा होगा, होटल का खर्चा होगा, वो सारा प्रोग्राम बेयर करेगा, उनको कोई अपना फीस कोई नहीं देना, ट्रैवल का कोई पैसा नहीं देना, अगर कोविड की सिचुएशन इम्प्रूव हो तो। फिर वो हम जो सिलेक्ट करेंगे वो वापस जाके अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में वो और लोगों को ट्रेन करेंगे। तो जो वो ट्रेनिंग करेंगे उसका एक प्रॉपर उनका मॉडेस्ट एक ऑनरेरियम भी होगा, ताकि उनका जाने का दिन का खर्चा निकल आए उसमें से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के लोग हैं वो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें, बिकॉज हम चाह रहे हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, बिकॉज वो लोकल कम्युनिटियों में बेस्ड हैं, वो कहीं अंदर कहीं गांव में, बुलंदशहर में, बरेली में, लखनऊ में कहीं पे हैं। तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के जो लोग हैं वो गाँव तक पहुँच सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग वो अपने किसी भी एक दिन 10 मिनट आधा घंटा अपने रेडियो पर उस बात कर सकते हैं फेक न्यूज़ के बारे में। तो वो बड़ा, बहुत बड़ा उनका वो योगदान रहेगा इस चीज़ को लेके, कि अगर वो पार्टिसिपेट इसमें करते हैं इस चीज़ के साथ कि वो आगे जाके जो वो सीखेंगे, जैसे मुकुल जी अभी हमारे साथ जुड़े 2008 में इन्होंने ट्रेनिंग ली यहाँ पे, ये वापस चले गए, तब से लेके बिल्कुल और लोगों को ट्रेन वहाँ करा रहे हैं और नई जनरेशन वहाँ तैयार हो रही है। इस तरह के लोग अगर जुड़ना चाहें तो वो हमारे साथ, जो शिवाली है, जो मेरी कलीग हैं, आप अगर उनको ईमेल करेंगे तो वो आपको पूरी डिटेल भी दे सकती है प्रोग्राम की, या आपका, या उनका जो ईमेल आईडी है वो सिंपल शिवाली है @datalids.co.in। मैं आपको आपको भेज दूंगा, मैं आपको शिवाली का ईमेल भेज दूंगा आपको। तो आप उनको डिटेल, जो जो बंदे इंटरेस्टेड हैं, मैंने जो लिंक पहले आपको शेयर किया उसी लिंक पे सारा डिटेल है, उसी पे अपना नाम, कहाँ पे बेस्ड है, वो डिस्कशन हो जाएगा। तो जैसे ही वो होपफुली मुझे लगता है 2-2.5 महीनों में हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे एक एक करके, तो 7 बड़े बड़े शहरों में ट्रेनिंग होगी 40-40 लोगों को लेके। ये सारे लोग सीनियर लोग होंगे, सीनियर एडिटर होंगे, प्रोफेसर होंगे, सिविल सोसाइटी के लीडर्स होंगे, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के लोग होंगे, जिनका कुछ एक्सपीरियंस भी रहा होगा, फिर हम उनको ट्रेन करेंगे। डेफिनेटली हम रेडियो स्टेशन से जुड़ने चाहेंगे, और हमें ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की एक जरूरत भी है, जहाँ से वो सारी जो इन्फॉर्मेशन, और जो हमारा ग्रामीण एरिया है जिनके पास सूचना एक दूसरे को नहीं है, वहाँ कम्युनिटी रेडियो इस तरह का जो प्रोजेक्ट है उसको ग्रास रूट तक ले जाने में बड़ी खुशी में अनुभव करेगा। मुकुल जी ने इंग्लिश में आपको ये जो दिखाई, सारा हिंदी में अवेलेबल हमारे पास है, तो वो भी आप उसको आप हिंदी में वहाँ यूज कर सकते हैं। अगर आगे जाके आप, मुकुल जी आपसे शेयर करेंगे बाद में, तो आप हिंदी में ये वाला जो प्रेजेंटेशन थी ये भी आप शेयर कर सकते हैं अपने कम्युनिटी सेंटर्स। डेफिनेटली हम अपनी वेबसाइट पर भी इसको शेयर करना चाहेंगे, ताकि सारे रेडियो स्टेशन तक भी पहुंचे, और आज की जो आपकी वार्ता है इसके भी हम रेडियो प्रोग्राम बना के हर रेडियो स्टेशन तक भी पहुँचाएंगे। और कोई क्वेश्चन किन्हीं को जो हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स हैं पूछना हो हमारे जो रेगुलर स्पीकर्स हैं उनसे? जी भूपेंद्र जी साहब, आप प्रतापगढ़ से हैं और कंप्यूटर और इन पर आप बहुत सारी काम करते रहते हैं। लोकेंद्र जी, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है?
जी बोलिए लोकेंद्र जी, आवाज बन रही है? हेलो जी लोकेंद्र जी, आपको कोई सवाल पूछना है? लोकेंद्र जी मैं माइक को आपके अनम्यूट कर रहा हूँ और वापस उसको म्यूटेट कर रहे हैं। गिरीश जी बोलना चाह रहे थे, आपके बीच बात जो अधूरी रह गई थी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गिरीश जी आवाज में मेरी आवाज आप लोग भी नहीं सुनाई देते हैं। हेलो आपकी आवाज हमारे पास आ रही है। शायद आपके कोई इंटरनेट वगैरह की प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी वार्ता रही और बड़ी फ्रूटफुल वार्ता रही और बहुत सारी इस तरह की बातें हैं जो हमने इतने दिन हो गए मोबाइल फोन यूज करते कंप्यूटर इंटरनेट काम में लेते हुए, पर इन बातों को पहली बार जाना और ये कितनी आवश्यक थी ये आपके बताने से हमारे समझ में आया। और निश्चित रूप से हम इनको रेडियो स्टेशन के माध्यम से और लोगों तक लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों को इसका फायदा होगा और जो इस तरह के फ्रॉड और इनके शिकार होते हैं उनसे जनता बचेगी। वैल्यूएबल अपनी ओपिनियन, इतना समय आपने यहाँ इस महत्वपूर्ण वेबिनार में दिया, हम आपका धन्यवाद। कोई कंक्लूडिंग मार्क अगर आपको सभी को स्प्रेड करना हो नजाकत साहब आपको। मेरा खाली एक ही बताइए। पहली बात तो बहुत शुक्रिया आपका, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सैयद नजाकत साहब इतना कम बोलते हैं, मेरे ख्याल से ये समय से बहुत आगे देख रहे हैं और मुझे खुशी है कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं। तो अगर आज मैं कुछ कर पाया, क्योंकि नजाकत साहब के सामने परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि इन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी। भले ही मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ाता हूँ पर आज मैं मेरा इम्तहान था, पता नहीं मैं उसमें पास हुआ या फेल हुआ, लेकिन एक कसक ये कि सवाल बड़े कम पूछे गए और जब मुझे सवाल खूब पूछे जाते हैं तो मुझे थोड़ा ज्यादा मजा आती है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि हम जब दोबारा मिलेंगे तो और ज्यादा सवाल होंगे और आप कभी फिर इस विषय पर प्लान कीजिएगा पर कुछ आगे, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि आप जिस पर प्रोग्राम ऑडियो में रिकॉर्ड करा करके आप डिफरेंट स्टेशन पर भजवाइए, तो एक कमेटी होने के नाते हम इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मामला है बहुत खतरनाक तरीके से फैल रहा है, उसमें डेटा लीड्स और गूगल लीड्स इनिशिएटिव और उसमें कोई पैसा और उसकी बात नहीं है, पर ये बात जितने ज्यादा लोगों तक सुनी जाए और ज्यादा पहुंचा जाए जो भी बन पड़ सकेगा हम वो करना चाहते हैं। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आपकी इन बातों का एक व्हीकल बनेगा और हम जरूर इन बातों को ले जाना चाहेंगे। मुकुल सर नहीं, मैं खाली ये आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा था कि देखिए हमारा देश जो है ये बहुत ही खूबसूरत देश है, बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बंदा, दो बंदा बात नहीं बनेगी, तो सबको जुड़ के कहीं कहीं पे एज ए जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो रेडियो से लोग जुड़े हैं, इंफॉर्मेशन लैंडस्केप में लोग जुड़े हैं, जो जहाँ भी कोई है, आई थिंक अब सब एक दूसरे की हेल्प करके कहीं ना कहीं तो इस चीज़ को मन से बता लें कि जो भी गलत खबर है वो ना फैले यहाँ, किसी तरह की कोई गलत फहल ना फैले यहाँ पर, क्योंकि उसका हमने ये देखा है कि कई देशों में भी, हम तो अभी ज़्यादा शिकार नहीं है उतना ज़्यादा, पर बहुत देशों में हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा इसके बुरे नतीजे होते हैं कि लोग मिसलीड हो रहे हैं, आपका हेल्थ केयर सिस्टम खराब हो रहा है, आपका नफरतें बढ़ रही हैं, फॉर एग्जांपल जब आपकी फेक न्यूज़ फैलती है तो आपका विश्वास गवर्नमेंट से कम चला जाता है जब फेक न्यूज़ फैलती है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पे हम ही को रोकनी पड़ेंगी, तो बाहर से कोई बंदा आएगा नहीं, तो जो गाँव में है, डिस्ट्रिक्ट में है, शहरों में है, सबको एक दूसरे को समझना होगा कि शहर के लोग गाँवों जो से लोग हैं उनको कभी समझ नहीं पा रहे हैं, जो तो गाँव की जो अपनी समझ है वो शहर वालों लोगों को समझ नहीं आती, कहीं ना कहीं सबको मिलजुल के बैठ के ये अपना एक एक डिसाइड करना है कि नहीं हम फेक न्यूज़ को यहाँ सपोर्ट नहीं करेंगे।
डेफिनेटली हमें ये डिसाइड करना चाहिए। और जो इस तरह के बड़ा खुश था कि आप पूरे हिंदी में पूरा क्लास कर रहे थे, ये जो वर्कशॉप हो रहा था, ये हिंदी ऑलमोस्ट 40% हमारी पॉपुलेशन जो समझती है, तो हम बड़े चीज को मान के चलते हैं कि अगर हम हिंदी बेल्ट में जा रहे हैं या साउथ में हम मलयालम में कुछ कर रहे हैं, कन्नड़ में कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि वहाँ के लोग सामने आके वही इस प्रोग्राम को लीड करें। हम दिल्ली से जाके जहाज में जाके वहाँ लैंड करें, उनको समझाए पढ़ाए, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के लोग खुद आके खुद इस प्रोग्राम को वहाँ पे चलाएं। बिल्कुल बिल्कुल, कम्युनिटी रेडियो का भी यही एक जो कंसेप्ट है वो भी यही है कि कम्युनिटी की वॉइस कम्युनिटी के द्वारा। हम डेफिनेटली इसी लाइन पर इस बात को आगे ले जाएंगे। नजाकत साहब, भावेश जी साहब, गिरीश जी साहब, मुकुल साहब, सभी ने इतना महत्वपूर्ण समय दिया, झाझरिया साहब, सभी ने इतना महत्वपूर्ण समय और इतने महत्वपूर्ण विचार दिए। निश्चित रूप से कम्युनिटी रेडियो को एक नई विधा मिली है और हम इस विधा को अपना एक मोटो बनाएंगे और जन जन को आने वाला समय इसी वर्चुअल वर्ल्ड का है और इसके लिए उसको लिटरेट करना बहुत जरूरी है। आप सभी का खूब खूब शुक्रिया, खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम।